Whatever input I give it, does it actually predict something proper? So, for example, if I was using that Titanic dataset from yesterday, so if it's actually predicting something proper, like it's not giving me some random output apart from 0 and 1. So something like that on those lines, we have to check whether the output which we are getting, so that is good or not. Okay, so that's all it comes under the category of evaluation and metrics. So what are those metrics? So how do I say my model is good or not? So usually we think of it in terms of accuracy. Yeah, if I have good accuracy, let's suppose I have an accuracy of 90%. So I'll say 90% of the time my model works good, which is a very, very high number when you consider a practical scenario. Like, if you consider industry level applications, getting such a high accuracy is something really big. Okay, so we'll be talking about a lot of things in these topics. Okay, so first thing comes, what is model selection? Okay, so what does model selection mean? So you have learned a lot of algorithms, right? In those algorithms, you had a lot of different choices which you could make. So, for example, if you consider the k nearest neighbor algorithm, there you had an option where you can choose different values of k. You can take k is equal to 1, you can take k is equal to 2, k is equal to 3, and so on. So you had a lot of options over there, right? I can choose this value. Let's see how this works out. So what are those values which we are choosing which affect the model? So those things which affect the model's performance, they are termed as hyperparameters. You might have heard this term a lot of times. The बहुत बार सुना होगा तुम लोग ने the other people who taught you, so उसमें वो लोग काफी बार ये term hyperparameters use कर रहे हैं. So what is this hyperparameter exactly? So hyperparameter means that it's a parameter which affects the model's performance. So अगर k nearest algorithm है, तो उसमें सिर्फ एक ही hyperparameter है, which is the k value. तो k की वैल्यू से मॉडल के पूरे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ सकता है. मतलब इफ यू कंसीडर कि मैं k इज इक्वल टू 1 लेता हूं, मैं k इज इक्वल टू 100 लेता हूं, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा परफॉर्मेंस में. ओके, सो दोस टू थिंग्स व्हिच आर, फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लेते हो, तो उसमें हम लोग लर्निंग रेट करके डिफाइन करते हैं अल्फा. यू माइट हैव लर्न दैट यस्टरडे, बट व्हाट इज दैट अल्फा? दैट अल्फा लर्निंग रेट इज आल्सो हाइपर पैरामीटर. सो The objective is simple. I have a data, मेरे पास सब कुछ है, मुझे एक अच्छा मॉडल बनाना है. सो एक अच्छे मॉडल को बनाने के लिए आई नीड गुड हाइपर पैरामीटर्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टुक द एग्जाम्पल ऑफ के नियरेस्ट नेबर्स, सो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ के इन इट, देन यू कंसीडर डिसीजन ट्री. तो डिसीजन ट्री में क्या था, डिफरेंट चॉइसेस ऑफ नंबर ऑफ लेवल्स और लीव्स. सो अगर मुझे कंसिडर करना है कि डिसीजन ट्री अगर मैं बना रहा हूँ, तो डिसीजन ट्री में मुझे डिसीजन ट्री का डेप्थ कितना रखना है. यू गाइस लर्न डिसीजन ट्री इन द मॉर्निंग, राइट? सो डिसीजन ट्री में कैसा बनता था, एक पूरा ट्री बनता था, अ ट्री ऑफ ऑल द नोड्स एंड एवरीथिंग. तो वो ट्री कितना बड़ा होना चाहिए, ट्री छोटा होगा, ट्री द डेप्थ ऑफ द ट्री विच इज लाइक द नंबर ऑफ लेवल्स इन द ट्री. सो हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन दैट डिसीजन ट्री? सो वो हमें चेक करना है कि वो ट्री बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए. बिकॉज पता है क्या होगा कि मेरा जितना बड़ा, जितना डेप्थ होगा ट्री का, उतना ही मुझे टाइम लगेगा इन प्रेडिक्टिंग स्टफ. कि मतलब अगर उसको लाइक एक बहुत बड़े या बहुत ज्यादा डेप्थ वाले ट्री में इट हैज टू डू द प्रेडिक्शन, सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बिकॉज इसको है ना पूरा ट्री को ट्रावर्स करना पड़ेगा अंटिल द पॉइंट वेयर इट रीचेस अ लीफ नोड. एंड लीफ नोड में क्या होगा, उसका फाइनल प्रेडिक्शन होगा कि हाँ भाई इट बिलोंग्स टू दिस क्लास और इट बिलोंग्स टू दिस क्लास. वैसे पॉलीनोमियल रिग्रेशन है, तो पॉलीनोमियल रिग्रेशन में यस्टरडे यू हैड लर्न, वो पॉलीनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, इट वोंट बी अ लीनियर स्ट्रेट लाइन. द हाइपोथेसिस वोंट बी अ लीनियर स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पावर 2, क्यूबिक पॉलीनोमियल हो सकता है, मतलब एक्स क्यूब का पावर हो सकता है, एक्स रेस टू 4 हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे जो मेरा जैसा पॉलीनोमियल होगा, मतलब मेरा स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूब वाला कोई इक्वेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस वेरी करेगा. सो दैट इज व्हाट इट मींस. रेगुलराइज मॉडल्स, श्रेयांस इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट रेगुलराइजेशन, तो वो तभी समझेगा. बट वो रेगुलराइजेशन का भी हाइपर पैरामीटर होता है विच यू कैन सेट. हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग विल बी टॉट इन द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, so this is about model selection. So hamare paas, so how should I put this,
मुझे मॉडल को अभी अच्छा करना है तो मुझे फर्स्ट स्टेप पे एक ऑप्शन मेरे पास क्या है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन राइट, कि मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं ना अलग अलग वैल्यूज सब ट्राई कर लेता हूँ, ओके सब अलग अलग वैल्यूज है मेरे पास, के की मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन लेता हूँ, मैं सभी डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स को ट्राई कर लेता हूँ, और जो सबसे बेस्ट बेटा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है वो वाला मैं मॉडल कंसिडर करता हूँ एंड वो वाला मैं फाइनलाइज कर लूँ। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज वेयर क्या कि यू नो इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि यार वैल्यूज का रेंज बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब अगर मैं के वैल्यूज कंसिडर करता हूँ तो मैं 1 to 100 कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, आई डोंट नो उस पर कैसा परफॉर्मेंस होगा, बट बट प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे बहुत सारी वैल्यूज ट्राई करती रहनी पड़ेगी एंड दैट कैन बिकम अ टीडियस प्रोसेस आफ्टर सम टाइम, सो दैट इज वन ऑफ दोस डिसएडवांटेजेस टू वैलिडेशन डेटा। सो अभी तक यू नो हम लोग ने यू नो हम लोग कल यू नो वी वर अप्लाइंग दैट फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, पता है हम लोग कल वो फंक्शन बहुत बार हम लोग अप्लाई कर रहे थे, आज भी हम लोग अप्लाई कर रहे थे। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का रीजन क्या था, रीजन ये था कि मुझे पहले क्या करना है कि अगर मुझे मॉडल को टेस्ट करना है, यू नो इफ आई कंसिडर कि मॉडल मेरा एक स्टूडेंट है, ओके मुझे स्टूडेंट को इवेल्युएट करना है कि स्टूडेंट का नॉलेज कैसा है, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उसको बोलूंगा कि ये दीज आर द 3 बुक्स यू हैव टू स्टडी, ये 3 बुक्स में से तू पढ़ ले, जो चौथा बुक है उसमें से मैं तुझे क्वेश्चन पूछूंगा। तो वो मॉडल का मॉडल या स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो 3 बुक्स को अच्छे से पढ़ लेगा बराबर, उसको फोर्थ बुक में नहीं पता कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है, उसको पता है कि ये 3 बुक्स है इसमें जितने क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ लेगा। नाउ उसका अगर मुझे जज करना है, इफ आई वॉन्ट टू जज द स्टूडेंट या इफ आई वॉन्ट टू जज द मॉडल, तो वो मैं कैसे करूंगा, उसको मैं फोर्थ बुक में से क्वेश्चन पूछूंगा राइट। सो अगर वो क्वेश्चन का वो अच्छे से आंसर दे रहा है सो दैट मीन्स कि यू नो द स्टूडेंट इज गुड, मतलब यू नो इरेस्पेक्टिव ऑफ मैंने उसको थोड़ा बहुत यू नो इनपुट दे दिया उसको उसमें से पढ़ लिया, बट अभी मैं उसको कोई भी टाइप का क्वेश्चन दू, मैं उसको फिफ्थ बुक सिक्स बुक कोई भी बुक में से मैं क्वेश्चन दू, ही विल बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। सो अगर वो ऐसा कर पा रहा है देन आई कैन से कि दैट पर्सन इज गुड, या आई वुड से अगर इसको मैं ऐसा मॉडल के टर्म्स में एनालॉजी देता हूँ तो आई वुड से द मॉडल इज गुड, कि मैंने उसको ट्रेन डेटा बहुत सारा दे दिया एंड देन अगर मैं उसको टेस्ट डेटा देता हूँ और टेस्ट डेटा पे इफ इट परफॉर्म्स रियली गुड then I would say कि you know the model is actually very good। So अभी क्या होगा कि मतलब मैं train और test हम लोग ने कल तक पढ़ लिया था, पर अभी हम लोग एक नई चीज ला रहे हैं which is the validation data। So validation data क्या होता है, so हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो test data है test data को पूरा separate कर लेंगे, okay test data को पूरा ही निकाल लेना है। अब क्या है मेरे पास training data है और मेरे पास test data है, so अब मैं क्या करूंगा कि मेरा जो training data है ट्रेनिंग डेटा को भी मैं स्प्लिट कर लूंगा इसमें ट्रेनिंग और वैलिडेशन में, लाइक यू कैन सी यू नो ये डायग्राम दिख रहा है तुम लोग को, इसमें द टेक्स्ट इज अ लिटिल ब्लरी मैं बोलता हूँ क्या ये, सो ऊपर वाला जो है ना जो ऊपर वाला लाइन है ना दैट मींस ऑल द एग्जांपल्स, नीचे लिखा है ट्रेन सेट एंड हेल्ड आउट वैलिडेशन सेट लिखा है। तो ये क्या है मेरा ओरिजिनली ये येल्लो ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो मेरा ट्रेनिंग सेट था, पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं और डिवाइड कर देता हूँ कि मतलब यू नो मेरे पास ट्रेनिंग सेट है और एक वैलिडेशन सेट है। तो अब ये वैलिडेशन सेट क्या होगा, तो अब ये वैलिडेशन सेट को पता है मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, मुझे जो प्रीवियस स्टेप पे जो हाइपर पैरामीटर्स जो मुझे टेस्ट करने थे वो मैं इस पे टेस्ट करता रहूंगा। तो अब मेरा प्रोसेस शुरू है, प्रोसेस इज रियली सिंपल, एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें पता है क्या करना होगा, तुम लोग को अगर डेटा मिल रहा है तो तुम डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। ट्रेनिंग सेट पे तुम लोग ट्रेन करोगे मॉडल को, ओके वंस यू हैव ट्रेन द मॉडल, अगर सपोज मैंने यू नो हाइपर पैरामीटर्स में ले लेता हूँ सपोज के नियरेस्ट नेबर, ओके तो के नियरेस्ट नेबर के लिए मैं वैल्यूज ले लेता हूँ 1, 2, 3, मुझे 1, 2, 3 पे टेस्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले 1 पे ट्रेन करूंगा, ओके के इज इक्वल टू 1 पे ट्रेन करूंगा, उसपे अगर सपोज मुझे उसके बारे में क्या करूंगा, वंस आई हैव ट्रेन्ड ऑन इट मैं जो वैलिडेशन सेट है ना उसको मैं वो मॉडल में सेंड कर दूंगा k इज इक्वल टू 1 वाले मॉडल में, तो वो मुझे कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। Okay, let's say उसने suppose for example, I would just write it down over here and it would be better if I create one more slide over here. मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, but it's fine. Okay, अब मैं क्या कर रहा हूँ, process बहुत simple है ना, ये आगे भी तुमको समझेगा अच्छे से। k is equal to 1 है मेरे पास, ओके
मैंने ले लिया, मुझे k is equal to 1 पे मैं क्या करता हूँ, पहले ट्रेनिंग, मैं पहले ट्रेन अप्लाई कर लेता हूँ. तो मैंने once I've applied the train data, मैंने ट्रेन अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैंने उस पर वैलिडेशन डेटा को भेज दिया. Once I've sent the validation data, मुझे कुछ आउटपुट आ रहा है. Let's say मुझे इस पर एक्यूरेसी आ रही है 86%. ओके, ये वैलिडेशन डेटा पे. मैंने अभी तक टेस्ट डेटा को जरा भी नहीं देखा है, सो टेस्ट डेटा भी कम्प्लीटली बाहर है. ओके, once I'm done with this, you know, मुझे पता चलेगा कि मुझे वैलिडेशन पे 86% आ रहा है. इंपॉर्टेंट थिंग, वैलिडेशन डेटा भी मॉडल ने अभी तक देखा नहीं, उसने सिर्फ ट्रेन डेटा देखा था. ओके, once it is done, what I'll do is कि मैं k is equal to 2 लेता हूँ. k is equal to 2 पे मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूँ. लेट्स से मुझे इसमें आया, आई गॉट एन एक्यूरेसी ऑफ 83%. ओके, डन, मैंने नोट कर लिया ये चीज. नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं k is equal to 3 अप्लाई करता हूँ. सेम चीज, पर ये टाइम मुझे एक्यूरेसी सपोज 90% आ रही है. तो अगर मुझे इसमें 90% आ रही है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे हाइपर पैरामीटर्स अगर मुझे ट्यून करने हैं, तो मुझे समझा कि k is equal to 3 जो है वो अनसीन डेटा पे बेस्ट परफॉर्म करता है. ओके, तो मुझे ये इन्फरेंस मिल गया इससे कि मुझे k is equal to 3 पे ये अनसीन डेटा पे इट इज परफॉर्मिंग रियली गुड. सो वंस आई अंडरस्टैंड दैट, व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये k is equal to 3 वाला जो मॉडल है, लेट्स से दिस मॉडल इज नेम्ड एज k is equal to 3, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इनपुट कर दूंगा टेस्ट डेटा. टेस्ट डेटा को मैं ये मॉडल जो मेरे को k is equal to 3 था, जो अकॉर्डिंग टू मी मेरा सबसे बेस्ट मॉडल है, उसको मैंने टेस्ट डेटा भेज दिया. और वंस मैंने टेस्ट डेटा भेज दिया, इसको मैं बाद में इवैल्यूएट कर सकता हूँ कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग. इसको मैं फिर इवैल्यूएट कर सकता हूँ कि k is equal to 3 पे हाउ इट इज एग्जैक्टली परफॉर्मिंग. सो अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, अब मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा और ऑर्गेनाइज हो गया. मुझे अभी है ना टेस्ट डेटा को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए जरूरत नहीं है. हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए मेरे पास वैलिडेशन डेटा है. ओके, सो ओके, सो लेट्स गो टू द स्लाइड अगेन. तो ओके, सो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्री फोल्ड स्प्लिट. मेरे पास ट्रेनिंग है, आई हैव द मॉडल फॉर फिटिंग विच इज ऑन द ट्रेनिंग सेट. फिर मेरे पास वैलिडेशन सेट है विच इज यूज फॉर पैरामीटर सिलेक्शन, जो हम लोगों ने बोला हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन. और जो मेरा फाइनल सेट होगा दैट विल बी यूज फॉर इवैल्यूएशन. अब इसकी अपसाइज एंड डाउनसाइज दोनों है. ओके, प्रो क्या है इसमें, इसमें बेनिफिट मुझे ये मिल रहा है कि ये सिंपल मेथड है, इसमें मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा. मुझे बस क्या करना पड़ा, मेरा ट्रेनिंग सेट है उसको मेरे को और थोड़ा स्प्लिट करना पड़ा. फास्ट इसीलिए है बिकॉज मेरा हाइपर पैरामीटर्स है ना बहुत ही स्मॉल, छोटे सेट पे मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ. तो मुझे है ना मेरा ट्रेनिंग साइज तो कम हो ही गया है, पर मुझे ये जो वैलिडेशन सेट पे जो हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट करने हैं वो प्रोसेस मेरा थोड़ा और फास्ट हो गया है. अब मुझे टेस्ट डेटा पे वापस जाने की जरूरत नहीं है कंटिन्यूसली. तो दैट मीन्स यू नो मेरा जो प्रोसेस है ओवरऑल दैट हैज बिकम रियली फास्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेरा हाइपर पैरामीटर्स कौन से अच्छे. बिकॉज मुझे पहले क्या करना पड़ता था, मेरे पास ट्रेनिंग सेट था, मुझे पूरा ऐसा वेट करना पड़ता था कि मतलब कौन सा मुझे यू नो हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट करना है. तो मैं पूरा ट्रेनिंग के लिए वेट करता था, फिर उसको टेस्ट सेट पे डालता था, फिर मैं वापस ट्रेनिंग पे आता था. अब मुझे क्या है कि मेरा एक ही शॉट में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पैरेलल ही मेरा हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन भी ट्यूनिंग भी हो ही जाता है पैरेलल. तो मेरे दो काम जो है ना वो एक साथ हो रहे हैं अभी. इंस्टेंट जो मेरा पहला एक काम था ना वो ऐसा मुझे कंटिन्यूसली करते रहना पड़ रहा था. सो नाउ माई जॉब इज बिकम रियली सिंपल. ओके, कौन इसमें क्या हो सकता है कि मतलब हाई वेरियंस. सो वेरियंस का सिंपल मतलब क्या होता है, वेरियंस का सिंपल मतलब यही होता है कि मुझे जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत वेरीड है. कि मुझे कई बार ये आ रहा है आंसर, सपोज 86% आ रहा है, कई बार मुझे 96% आ रहा है. तो ऐसे टाइप के जो वैल्यूज आते हैं मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसको वेरियंस बोलते हैं. अब वेरियंस इसमें कैसे आ सकता है, आई विल टेल यू. वेरियंस इसमें इसलिए आता है बिकॉज मैं जो ये वैलिडेशन सेट जो सिलेक्ट करता हूँ ना वो वेरी कर सकता है. सपोज देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरा ट्रेनिंग सेट है ना उसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना उसको मैंने वैलिडेशन सेट बना दिया. सपोज मैं अगर ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है मतलब स्टार्टिंग के जो सपोज मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे पास 50 ट्रेनिंग सेट में एग्जाम्पल्स है, बराबर 50 में से मैंने जो लास्ट 10 है ना उसको मैंने वैलिडेशन के लिए यूज किया एक टाइम. फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो स्टार्टिंग के 10 है ना उसको मैं यूज करता हूँ. तो पॉसिबिलिटी इसमें यह है कि इसमें मेरा जो आंसर आएगा या फिर मुझे इसमें जो हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट करना होगा वो वेरी हो सकता है.
पता है क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटीज कैन बी मल्टीपल. मतलब मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि अगर ये मेरा जो है, ये मेरा जैसे मुझे ये हाइपर पैरामीटर आया कि द बेस्ट वन, द बेस्ट के वैल्यू इज इक्वल टू 3, ये मुझे कब आता है, व्हेन आई कंसिडर लास्ट 10 एग्जाम्पल्स एज वैलिडेशन डेटा. बट अभी इसमें वेरिएशन पता क्या आ सकता है, हाई वेरिएंस लोग इसलिए बोल रहे हैं पर क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मुझे मेरा मॉडल बोले कि k इज इक्वल टू 1 इज द बेस्ट हाइपर पैरामीटर व्हेन कंसीडरिंग द फर्स्ट 10 एग्जांपल्स एज द वैलिडेशन डेटा. तो अगर ऐसा वेरिएंस आ रहा है तो मतलब यू नो हम लोग जज नहीं कर सकते कि कौन सा हाइपर पैरामीटर बेटर है. तो इसमें ये एक नेगेटिव साइड हो गया इसका, ये ओके ये जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं इसका ये थोड़ा डाउन साइड हो गया. गाइस अभी तक कुछ डाउट है क्या, आर देयर एनी डाउट्स अभी तक? एट लीस्ट वेट फॉर 10 सेकंड्स एंड देन मूव. किसी को अनम्यूट करके पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो या फिर चैट में डाल दो तो भी ओके, चैट में डाल दो तो भी चलेगा. लाइक आई विल जस्ट कंटिन्यू, अगर कुछ है तो मुझे बता देना चलेगा. ओके सो या दिस इज द 3-fold स्प्लिट, k fold क्रॉस वैलिडेशन. तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैंने पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं सिर्फ एक ही वैलिडेशन सेट को ले रहा था. अब मैं क्या करता हूँ, k fold. k fold का मतलब क्या हुआ कि मैं देखो मैं स्टेप्स के थ्रू जाता हूँ. स्टेप्स के थ्रू अच्छे से समझेगा. फर्स्ट रन में क्या करता हूँ, क्रिएट k इक्वल साइज पार्टीशन ऑफ द ट्रेनिंग डेटा. ओके मैंने समझ लिया, मैंने मेरे डेटा जो है ना, मेरे पास पहले मैंने बोला था कि 50 एग्जांपल्स है तो मैं बोलता हूँ कि मैंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. Each partition has n by k examples, मतलब 50 by 5 which is equal to 10 examples each partition में. अब मैं क्या करता हूँ, train on k minus 1 partitions, validate on the remaining portion. अब मैं क्या करूँ, देखो मैं पहले मुझे क्या problem आ रहा था कि मैं दोनों validation sets को ना एक साथ नहीं ले पा रहा था, बराबर. मैं first 10 examples और last 10 examples को मैं ऐसा separately consider कर रहा था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं साथ में ही consider करूँगा. क्या करता हूँ, पहले first 10 examples को वैलिडेशन दे लेता हूँ और लास्ट 40 जो है उस पर मैं ट्रेन कर लेता हूँ. फिर मैं ऐसे ही है ना शिफ्ट करते जाऊंगा. तो डायग्राम में इफ यू सी, तो पहले रन वन में मैं स्टार्टिंग के थोड़े ले रहा हूँ, उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद के जो सेकंड सेट है पार्टीशन है, सेकंड पार्टीशन को ले रहा हूँ मैं, उसके बाद थर्ड पार्टीशन एंड अल्टीमेटली आई रीच टिल द एंड. तो ऐसे मैं अलग अलग पार्टीशन करते जाता हूँ, एक पार्टीशन को लेता हूँ, दूसरे सब पे ट्रेन कर लेता हूँ, दूसरा पार्टीशन लेता हूँ, फिर बाकी सब पे ट्रेन कर लेता हूँ. एंड अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ कि एंड में है ना मैं सबका एवरेज ले लेता हूँ. जो भी मुझे एरर्स आ रहा है, जो भी मुझे लॉस आ रहा है, मैं सबका एवरेज ले लेता हूँ. ओके और मैं वो मॉडल कंसिडर करूंगा जो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट एवरेज वैलिडेशन एरर देगा. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं के नियरेस्ट नेबर अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं के इज इक्वल टू 1 पहले सेट करता हूँ, फिर मैं है ना पूरा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर देता हूँ. अब मेरा पता है क्या बेनिफिट होगा, अब मेरा वेरिएंस बहुत कम हो जाएगा बिकॉज मैं अभी सब टाइप के वैलिडेशंस को देख रहा हूँ. ओके अब मैं सभी टाइप के वैलिडेशन सेट्स जो है उनको कंसिडर कर रहा हूँ, तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो एवरेज आएगा. तो मैं एवरेज के बेसिस पे जज कर सकता हूँ कि कौन सा हाइपर पैरामीटर इज द बेस्ट फॉर माई मॉडल. ओके सो दिस इज अ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन वर्क्स. ये दिस इज मोर ऑफ लाइक अ डायग्रामिक और बेटर रिप्रेजेंटेशन है, वो डायग्राम थोड़ा सा अनक्लियर था, सो यू नो मैंने इसमें दिखा दिया. तो देखो ये दिख रहा है तुम लोगों की फोल्ड वन. मैंने पहले क्या किया, मेरे पास इनिशियली मेरे पास ऑल डेटा था, ऑल डेटा को मैंने पहले स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग और टेस्ट में. फिर मैं ट्रेनिंग डेटा को मैं क्या करता हूँ, 5 फोल्ड में डिवाइड कर दिया. देखो यहाँ पे तो फोल्ड वन, फोल्ड टू, फोल्ड थ्री, फोल्ड फोर, फोल्ड फाइव. अब मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट वन में क्या करूंगा, मैं फोल्ड वन पे मैंने टेस्ट करता हूँ और बाकी सब पे मैं ट्रेन करता हूँ. फिर मैं फोल्ड टू पे टेस्ट करूंगा और फोल्ड 1, 3, 4, 5 पे मैं ट्रेन करूंगा एंड सो ऑन लाइक दिस. तो अल्टीमेटली मुझे मेरा फाइनली ये जब पूरा आंसर आ जाएगा तब मैं एंड में सबका एवरेज ले लूंगा. सपोज ना मुझे स्प्लिट वन एक्यूरेसी देता है 86%, मुझे ये देता है कुछ 87%, स्प्लिट थ्री देता है स्प्लिट थ्री देता है 88%, फिर मुझे स्प्लिट फोर देता है 89% और स्प्लिट फाइव देता है 90%. तो अल्टीमेटली मुझे जो ये 5 वैल्यूज आ गए 86, 87, 88, 89 और 90, ये मुझे एक्यूरेसी के परसेंटेजेस आ गए. तो अब मैं क्या बोलूंगा, एवरेज फ्रीक्वेंसी विल बी द सम ऑफ दिस एक्यूरेसीज डिवाइडेड बाय द
नंबर ऑफ स्प्लिट्स जो मैंने 5 किए थे, तो मैं क्या करूंगा, टोटल करूंगा, टोटल डिवाइड बाय 5 करूंगा, मुझे आंसर आएगा 88. सो आई विल से कि ये पूरा जो है, ये मैंने पूरा प्रोसेस किया, उसके ऊपर मुझे एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 88%. दैट्स हाउ आई विल जज द मॉडल. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर चीज को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग श्योर की हर एग्जाम्पल है, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कम्स वंस इन द टेस्ट डेटा, जो मुझे पहले नहीं हो रहा था. ओके जब मुझे हाइपर पैरामीटर को ट्यून करना है या फिर मुझे बेस्ट हाइपर पैरामीटर फाइंड करना है, तो उसमें अब मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है कि सब टेस्ट डेटा के जो एग्जांपल्स है, मतलब सब एग्जांपल्स है, वो एक एक बार मेरे टेस्ट डेटा में आ रहे हैं, टेस्ट डेटा सॉरी वैलिडेशन डेटा में आ रहे हैं. और मैं क्या करूंगा, वंस आई एम डन विद द होल प्रोसेस, फिर मैं फिर मैं क्या करूंगा कि फाइनली मुझे जो बेस्ट मॉडल आएगा उसको मैं टेस्ट डेटा पे अप्लाई करूंगा एंड मुझे फिर मेरा फाइनल इवैल्यूएशन मिल जाएगा. ओके सो दिस इज लाइक अ स्मॉल, मैंने ये इम्प्लीमेंट किया था, मैंने यू नो मैंने कोलैब पे इम्प्लीमेंट किया, पर मैंने आउटपुट प्रिंट कर दिया यहाँ पे. तो ये देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं sklearn में से आई एम इम्पोर्टिंग के फोल्ड. ओके के फोल्ड को इम्पोर्ट किया, फिर मेरे पास मैं डेटा देखो, मेरे पास डेटा क्या है, 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे 6 वैल्यूज है. अब मैं क्या करता हूँ, के फोल्ड में पैरामीटर्स पास कर देता हूँ. पैरामीटर्स में समझा देता हूँ के फोल्ड के क्या होते हैं. 3 मतलब क्या है मेरा, 3 मतलब मुझे बोल रहा है कि मुझे 3 स्प्लिट्स करते हैं. लेकिन जो ये प्रीवियस एग्जांपल था ना मेरा, यहाँ पे 5 स्प्लिट्स थे, राइट, मुझे यहाँ पे 3 स्प्लिट्स करना है. ओके ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे मेरा जो डेटा है उसको मेरे को शफल करना है कि नहीं करना है. तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रू, हाँ मुझे शफल करना है. सो वंस आई एम डन विद दैट, और यहाँ पे मेरा जो 1 है, आई गेस 1 सिग्निफाइज कि मेरा जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई फॉरगॉट K fold cross validation. What was one? I'll show you. So, in case if you just forget na kabhi bhi, to matlab okay, one is nothing. It's just a random state. Okay, to random state ke baare mein tum log ne padha tha, right? So random state kya karta hai? Random state make sure ki tum log every time ye code ko execute karoge na, to you will get the same output. ठीक है. So यहाँ पे one वो random state है. It doesn't matter. But ultimately मेरा fold क्या है? 3 folds है मेरे पास. अब मैं देखो यहाँ पे नीचे है ना, मैं तीनों फोल्ड्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ. इफ यू सी, तो देखो फर्स्ट फोल्ड में मुझे क्या आ रहा है, 0.1 0.4 0.5 0.6. यू माइट आस्क कि ये ऑर्डर में क्यों नहीं आ रहा है. मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते थे कि पहले फोल्ड में कैसे आना चाहिए, 1 2 3 4, और टेस्ट में आना चाहिए 5 और 6. बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा को पूरा शफल कर दिया है. ओके सो अगर मैंने शफल कर देता हूँ डेटा, तो मुझे कोई भी ऑर्डर में आ सकता है ये. तो देखो मुझे पहले में क्या आ रहा है, 1 4 5 6, और टेस्ट में क्या आ रहा है, 2 और 3. अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो टेस्ट में पहले कौन सा आया, 2 और 3, फिर टेस्ट में कौन आया, 1 और 5, फिर टेस्ट में कौन सा आया, 4 और 6. तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, तो अगर तुम लोग देखोगे तो ईच एंड एवरी एग्जांपल जो मेरे पास थे एरे में, 1 2 3 4 5 6, हर एक एग्जांपल फॉर वंस इट इज कमिंग इन द टेस्ट डेटा. तो ये मेरा बेनिफिट है. तो मतलब एवरी एग्जांपल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द वे द मॉडल वर्क्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके सो ट्रेन करूंगा और वैलिडेट ऑन ओनली वन एग्जाम्पल. तो ये दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस. ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है बिकॉज इसमें तुम्हारे जो फोल्ड्स है वो काफी बढ़ जाएंगे. तो दिस यू शुडंट बी कंसिडरिंग दिस एज एन एग्जांपल, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसमें तुम लोग को बहुत सारे फोल्ड्स करने पड़ेंगे. और तुम लोग समझो कि मतलब प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, कि तुम लोग ये जो जितने भी स्प्लिट्स कर रहे हो ना, उतने ही बार तुम्हारा मॉडल रन हो रहा है. तो यहाँ पे अगर मेरे पास देखो 3 अगर आ रहे हैं, तो ट्रेन ट्रेन ट्रेन, सो दिस मीन्स कि मतलब मेरा 3 बार मॉडल ट्रेन हो रहा है, और 3 बार मॉडल को ट्रेन करना कैन बी कंप्यूट एक्सपेंसिव. मतलब अगर सपोज यहाँ पे तो यू ना हमारे पास बहुत छोटा डेटा है, अगर डेटा थोड़ा भी और बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर तुम लोग को ये ट्रेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा. मतलब इमेजिन यू नो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा मॉडल है, मॉडल को अगर सपोज ट्रेन होने में 1 दिन लग रहा है और तुम लोग ऐसे 9 फोल्ड्स कर रहे हो, तो इमेजिन यू आर ट्रेनिंग द मॉडल फॉर 9 डेज. 9 डेज तक तुम्हारा मॉडल ट्रेन होता रहेगा, विच इन यू नो व्हेन यू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, तो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में दिस इज अ लॉन्ग वेट और तुम्हारा प्रोजेक्ट उतना डिले होते जाता है. So this is never a viable option which you should consider. कि मतलब तुम एक ही example लो, तुम्हारा जो exam test data का size होना चाहिए, that should not be very big, but it has to be decent enough. मतलब I would say कि मतलब
अगर तुम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो कि मतलब 70% ट्रेनिंग ले रहे हो तो तुम लोग 15% वैलिडेशन ले रहे हो और 15% टेस्ट ले रहे हो, दैट कैन बी एन आइडियल ऑप्शन. ओके बिफोर आई गो ऑन टू स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड, और कुछ डाउट है किसी को? डज एनीवन हैव अ डाउट सर? तो मैं वरना मैं कंटिन्यू करता हूं आगे. कोई भी पॉइंट में डाउट आ रहा है तो जस्ट चैट बॉक्स में डाल लो, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन जस्ट पुट यस सर. Have one yes. What about the others? Okay, perfect. Then we are good to go. Okay. So, ये हो गया. Okay, तो ये leave out cross validation हो गया. Stratified k-fold. Okay. So, stratified k-fold क्या होता है? इसको हम लोग वापस हम लोग we'll go to a slide जहाँ पे you know we were doing all this thing. So, stratified k-fold क्या होता है? तो अब मैंने क्या बोला कि मेरा जो के फोल्ड है, ओके, तो के फोल्ड क्या कर रहा है कि सपोज मैं अगर यू नो कंसीडर करता हूँ, मेरे पास है ना, मैं खुद का एक एरे बना लेता हूँ. ओके, मेरे पास एरे में ऐसे लेबल है. ओके, ये मेरा है ना आउटपुट लेबल है. ओके, और फिर मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास वंस है. ओके, इज दिस ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर होगा समझ. या सो ऐसा समझ लो कि ये मेरे आउटपुट लेबल है. ओके, तो टेक्निकली अगर मैं सोचता हूँ, ओके, मैंने सपोज इसको मैंने पहले क्या किया कि मैंने ना इसको पहले थोड़ा शफल कर दिया. ओके, तो शफल करने में मुझे ऐसा कुछ 0 1 0 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1 0 ऐसा टाइप का कुछ मेरा डेटा बन रहा है. ओके, जस्ट लेट्स गिव दिस थिंग, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ. ओके, ये मेरा आउटपुट लेबल है. तो अगर मैं इसको के फोल्ड स्प्लिट करता हूँ तो ये टेक्निकली कैसे होना चाहिए? अगर ये मेरा ट्रेन डेटा है फॉर एग्जांपल, तो मेरे ट्रेन डेटा को अगर सपोज मैंने बोला कि इसमें मेरे पास टोटल कितने हैं, मेरे पास है 5 and 5 मेरे पास 10 है लेबल. ओके, इसमें मेरे पास टोटल 10 लेबल्स है. तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने बोला कि है ना मेरा जो ट्रेन परसेंटेज रहेगा ना, ट्रेन परसेंटेज विल बी इक्वल टू 60% है, और वैलिडेशन मेरा कितना होगा, वैलिडेशन विल बी इक्वल टू 40%. ओके, तो अब अगर तुम लोग इसको इमेजिन करते हो तो मेरा फर्स्ट फोल्ड जो होगा उसमें मेरा कैसे वैल्यूज आएंगे, 0 1 0 0 1 0, ये हो गए मेरे ट्रेनिंग लेबल. वैलिडेशन लेबल्स क्या होंगे? वैलिडेशन लेबल्स मेरे हो गए 1, 1, 0. ओके, ये हो गया मेरा फोल्ड. ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा था और ये ऐसे ही टेक्निकली फोल्ड होना चाहिए. बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें मेरा जो नंबर ऑफ लेबल्स है 1, इसमें तो अगर तुम लोग इसमें कंसिडर करते हो ट्रेन में, तो ट्रेन में मेरे पास 4 0s है एंड 2 1s है, और वैलिडेशन में अगर तुम लोग कंसिडर करते हो तो मेरे पास 3 1s है और 1 0 है. तो इसको हम लोग है ना मशीन लर्निंग के टर्म्स में वी कॉल इट एन अनबैलेंस्ड डेटा सेट. तो हमेशा पता है क्या होना चाहिए कि हमारा डेटा सेट जो है ना वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. बैलेंस इसलिए होना चाहिए ताकि यू नो वी गिव इट अ फेयर चांस फॉर द मॉडल टू अंडरस्टैंड कि उसको कौन सा लेबल प्रेडिक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ट्रेन लेबल्स है, तो इसमें मेरे पास 4 0s है बराबर और मेरे पास 2 1s है. तो अगर मुझे यू नो ब्लाइंड फोल्ड अगर प्रेडिक्ट करना है, ओके, मुझे पता नहीं है, मैंने मॉडल को कुछ समझा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, मुझे इसको सिर्फ ऐसे ब्लाइंड फोल्ड प्रेडिक्ट करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि मैं राइट होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट बीइंग 0, तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 6, व्हिच इज इक्वल टू 2/3, एंड 2/3 इज रफली इक्वल टू 66.6%. तो ये पता क्या हो गया, ब्लाइंड फोल्ड ही मुझे 66% एक्यूरेसी आ जाएगी कि मतलब 66% ऑफ द टाइम्स आई एम ऑलवेज राइट इन प्रेडिक्टिंग द लेबल. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसमें पता है क्या होगा कि अगर मॉडल समझ जाएगा ना कि मैं 66% राइट हूँ एवरी टाइम इन प्रेडिक्टिंग दिस, तो मॉडल इन इटसेल्फ कुछ सीखेगा नहीं, जो मॉडल का जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो कम हो जाएगा.
अगर मुझे ऐसा एग्जाम्पल ले लिया कि मुझे पता चल गया कि एग्जाम में मैं अगर तुक्का मारता हूँ तो मुझे तुक्का मारने पे ना मेरा आंसर हमेशा 75% ऑफ टाइम में ना मेरा आंसर राइट ही रहेगा तुक्का मारने में, तो तुम लोग को लगता है कि मैं एग्जाम के पहले पढ़ूंगा? ऑफकोर्स मैं नहीं पढ़ूंगा, राइट? बिकॉज मुझे पता है कि 75% ऑफ द टाइम माई आंसर इज राइट, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूंगा एग्जाम में पढ़ने के लिए? हाँ, अगर ऐसा हुआ कि ऑप्शन अगर कंप्लीटली डिफरेंट है और अगर ये मेरा 75% जो एक्यूरेसी है वो अगर कम हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, मतलब मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज मैं 50% ऑफ द टाइम मेरा आंसर राइट हो सकता है। तो 50% इसलिए जो 66% है इसको 50% लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग में मुझे इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और इक्वल नंबर ऑफ वन करने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि इसमें मेरे पास भी चार जीरोस है बराबर, तो मुझे इसमें चार वन्स भी लाने पड़ेंगे। तो अब देखो, अब मेरा डेटा सेट बैलेंस हो गया। अब मेरा जो ये पहले 66% था, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/2, which is roughly 50%, which is exactly 50%, okay, sorry, yeah, so this 50%, तो अब मैं क्या होगा कि मैं 50% अगर ये कम हो गया, तो अब मैं क्या होगा कि अब मैं अगर मॉडल अगर एक स्टूडेंट है, तो अब क्या होगा कि हाँ भाई चलो मेरा तुक्का मारने का जो परसेंटेज था वो भी कम हो गया है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा मतलब क्या, मुझे सीखना पड़ेगा, that means the model has to learn now, unless the model won't learn, it won't be able to predict properly. So that is why this stratified k-fold क्या करेगा? This stratified k-fold जो है ना, this will make sure कि मेरा जो training set है ना, उसमें जितने भी मेरे classes हैं, उसके equal numbers हैं। तो ये देखो, ये stratified का अगर if you see the definition, what it says is that stratified ensures relative class frequencies. Relative मतलब क्या? वो particular fold में, in each fold, relative class frequencies are the same. इन द होल थिंग, मतलब जो मेरा रिलेटिवली मेरा जो हर एक फोल्ड में मेरा ट्रेनिंग डेटा बनेगा उसमें मेरे इक्वल नंबर ऑफ जीरोस है एंड इक्वल नंबर ऑफ वन्स है। जीरो जितने भी हो चलेगा बट वो इक्वल होना चाहिए, बस दोनों का इक्वल परसेंटेज होना चाहिए दोनों में। दैट्स व्हाट स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड मींस। ओके, सो फोल्ड्स वाला जो पार्ट था ना वो हो गया, मतलब ये फोल्ड्स के बेसिस पे हम लोग हाइपर पैरामीटर्स ढूंढ सकते हैं। ओके, तो फोल्ड्स का हम लोग ने कंसेप्ट समझ लिया। अब क्या है, फाइंडिंग द बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स का दूसरा मेथड है। ओके, यहाँ पे क्या था कि तुम लोग को मैंने एक डिसएडवांटेज सबसे पहले बताया था, राइट, कि तुम लोग को बहुत सारी वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेगी और अगर तुम लोग के हाइपर पैरामीटर्स ज्यादा हो गए तो फिर तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, एक अप्रोच यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ग्रिड सर्च। तो ग्रिड सर्च का पता है क्या हो गया, ग्रिड सर्च को ऐसा समझो कि मतलब आई ट्राई ईच एंड एवरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद वन अनदर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ कि मान लो मेरे पास है ना ऐसे दो हाइपर पैरामीटर्स। ओके, ए इज माई वन हाइपर पैरामीटर जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2 and 3। मेरे पास बी एक दूसरा हाइपर पैरामीटर है जिसकी वैल्यूज हो सकती है 4, 5 और 6। तो ग्रिड सर्च पता है क्या बोलता है, ग्रिड सर्च ये बोलता है कि मैं ना क्या करूंगा कि मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब पता है क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब पता है क्या हुआ कि मैं पहले एक कंसीडर करता हूँ 1 और 4 एक कॉम्बिनेशन ले लूँ, फिर मैं 1 और 5 एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ, 1 और 5 एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ, फिर मैं 1 और 6 लेता हूँ, फिर मैं 2 और 4 लेता हूँ, फिर मैं 2 और 5 एंड 2 और 6 सो ऑन अंटिल आई विल रीच द पॉइंट 3, 6। तो तुम लोग को डॉट प्रोडक्ट समझता है, राइट? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग 1 को मतलब मैं 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 2 को 4 और 5 के साथ, 5 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 3 को भी सेम वे में करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक कॉम्बिनेशन लूंगा। ओके, 1 और 4 को मैं कंसिडर करूंगा, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। आफ्टर आई कंसिडर दिस एज वन कॉम्बिनेशन, आई विल अप्लाई द मॉडल ऑन दिस, चेक मुझे कितना आ रहा है। सपोज मुझे 1 और 4 अप्लाई करने पे 90% एक्यूरेसी आ रही है। ओके, फिर मैं 1 और 5 अप्लाई करता हूँ, इस पर मुझे सपोज आ रही है 91% एक्यूरेसी। फिर मैं क्या करता हूँ, 1 और 6 को कॉम्बिनेशन लेता हूँ, इस पर मैं कंसिडर करता हूँ 92% आता है मुझे एक्यूरेसी। ऐसे ही करते जाऊंगा और मुझे 3, 6 पे आता है, 3 और 6 को मुझे सपोज आता है 95% एक्यूरेसी। मैंने हाइपर पैरामीटर्स के सब अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए। ओके, so once I've tried all the combinations,
व्हाट आई विल चेक इज कि मुझे किस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज एक्यूरेसी आ रहा है. तो तुम लोग को क्लियरली दिख रहा है राइट कि 3 और 6 पे मुझे सबसे ज्यादा आ रहा है, 95% एक्यूरेसी आ रही है. तो मैं क्या करूंगा कि मुझे समझ गया है कि भाई कि मैं ये अभी मुझे सब वैल्यूज ट्राई करने की जरूरत नहीं है. नाउ आई विल सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5 एंड आई विल परफॉर्म ऑल दी अदर एग्जीक्यूशन. और ये अब मेरा फिक्स हो गया है. ठीक है, अब इसमें एक डाउनसाइड क्या है कि ये जो मेरा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो है ना, दिस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द डेटा. तो कैसा है कि लर्निंग रेट है ना, लर्निंग रेट ऐसा हो सकता है कि कोई एक केस में हो सकता है कि एक सपोज ट्रेनिंग डेटा सेट है B1 है तो उस पर शायद लर्निंग रेट 0.1 अच्छा फिट करे. डेटा सेट B2 है उस पर 0.01 डेटा लर्निंग रेट अच्छे से फिट करे. तो दिस कैन कंप्लीटली वेरी. ओके, ये फिक्स नहीं है, बट हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम सब कॉम्बिनेशन ट्राई करें. ओके, इसमें तुम लोग सोचो, इसमें अगर तुम लोग इफ यू इमेजिन हाउ मेनी टाइम्स आर यू ट्रेनिंग द मॉडल. तो मैंने पहले अगर इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन देता हूं तो 1 4 1 5 1 6 फिर 2 4 2 5 2 6 फिर 3 4 3 5 3 6 तो यू आर ट्रेनिंग द मॉडल 9 times यू आर ट्रेनिंग द मॉडल. और आई वुड से कि मतलब तुम लोग अगर मुझे फाइंड करना है कि मैं कितनी बार मेरे मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, सो दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए जो भी मेरा हाइपर पैरामीटर है इनटू द लेंथ ऑफ दीज मेनी टाइम्स आई विल बी ट्रेनिंग माय मॉडल. तो तुम लोग सोचोगे कि भाई ये भी बहुत कंप्यूटर एक्सपेंसिव हो गया राइट, मुझे मॉडल को बहुत बार ट्रेन करना पड़ेगा. बट अल्टीमेटली पता कैसा है कि इफ यू वॉन्ट टू रीच अ कंक्लूजन, इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग the grid search algorithm, grid search functionality, तो मेरा मॉडल इतनी बार ट्रेन होगा. इसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है. हाँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं मेरा जो ये लेंथ ऑफ ए है और लेंथ ऑफ बी है उसको मैं समवॉट छोटा कर सकता हूँ. मैं मतलब ये तो मैं सिलेक्टेड वैल्यूज ही चूज करूंगा, उससे ज्यादा चूज नहीं करूंगा. तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है. तो दिस इज द ओनली वे विच वी कैन अवॉइड, वरना फिर मुझे है ना सभी लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी टाइम्स मुझे मेरे मॉडल को ट्रेन करना ही पड़ेगा. दिस इज द ऑप्शन आई हैव. बट हाँ, अल्टीमेटली इसका बेस्ट प्रोसेस पता है क्या, इसका बेस्ट बेनिफिट ये है, इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि मुझे अल्टीमेटली मैं जितनी बार मैं इसको मैं ट्रेन कर लेता हूँ, फाइनली मुझे जो आउटपुट मिलेगा ना उस पर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा ये हाइपर पैरामीटर सपोज मुझे इसमें 3 और 6 आ रहा था, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मेरा ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 6 इज द बेस्ट फिट फॉर माई मॉडल. मतलब ये मैंने लॉक कर लिया, दिस इज कमिटेड नाउ, दिस इज डन. इसके बाद मुझे वापस इसको ट्यून करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कुछ डाउट्स है? प्लीज वी डोंट हैव एनी डाउट्स राइट. सो ओके, विल कंटिन्यू. ओके, सो दिस इज व्हाट ग्रिड सर्च यूज. मैंने इसका मतलब छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ यहाँ पे. इट इज समथिंग व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड बिफोर. तो मतलब यू नो यू कैन जस्ट रीड इट नॉर्मली. तुम लोग अगर ये समझ गया तो ये जस्ट दिस इज लाइक अ 1 मिनट रीड एंड तुम लोग अच्छे से समझ जाएगा ये. ओके, ग्रिड सर्च यूवी को देखो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है एंड मैंने के नियरेस्ट नेबर्स का ही एग्जाम्पल लिया. इफ यू कैन सी ओवर हियर, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई इज इक्वल टू नेबर्स. पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मेरे ट्रेन टेस्ट प्लेट अप्लाई किया, मेरे डेटा सेट को मैंने पहले स्प्लिट कर लिया. ओके, फिर मैं क्या करता हूँ कि आई मैंने नेबर्स करके ना एक ऐसा सपोज लिस्ट बना लिया. ओके, नेबर्स के अंदर क्या है मेरा के की वैल्यूज है. के की वैल्यूज मैं सपोज लेता हूँ 1 to 10 तक. ओके, 1 to 10 तक मैंने सब वैल्यूज ले ली. फिर मैं क्या करता हूँ, हर एक पे मैं ना के नियरेस्ट नेबर्स अप्लाई करता हूँ, फिर मैं उस पर मॉडल को ट्रेन करता हूँ और उसके बाद जो मुझे बेस्ट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आएगा. क्रॉस वैलिडेशन स्कोर पता है क्या है, इट इज जस्ट माय एक्यूरेसी ऑन द वैलिडेशन डेटा. दैट्स इट, दैट इज द क्रॉस वैल स्कोर. तो मैं क्रॉस वैल स्कोर किया, यहाँ पे देखो इफ यू कैन सी मैंने सीवी इज इक्वल टू 10 पास किया है. तो सीवी इज इक्वल टू 10 क्या है, मेरा क्रॉस वैलिडेशन है. जो हम लोग ने उसमें देखा था के फोल्ड वैलिडेशन जो हमने देखा था उसमें हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा, हम लोग ने 5 लिया था राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं. तो 10 बार मैं उसको और ट्रेन करूंगा, ट्रेन होने के बाद मैं वापस एवरेज ले लूंगा. इफ यू कुड सी यू नो मैंने यहाँ पे लिखा है np.mean. तो np.mean मैंने स्कोर्स का मीन ले लिया और उसको मैंने अपेंड कर दिया. ओके, वंस आई एम डन विद द होल प्रोसेस. ओके, आई हैव अ डाउट राइट. नो, ओके, समवन रेज्ड अ हैंड, दैट इज व्हाई आई गेस. या सॉरी अनुज, अरे ओके ओके, नो प्रॉब्लम. Yeah, okay.
तो अगर तुम लोग इमेजिन करते हो तो मेरा मॉडल इसमें कितनी बार ट्रेन हो रहा है, तो अगर मेरे नियरेस्ट नेबर सपोज मैंने 5 डिफरेंट वैल्यूज ले रखा, लेट्स से मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लेता हूँ, तो 5 में से मैंने हर एक वैल्यू करूंगा, फिर मैं उसमें 10 टाइम्स क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करूंगा. तो इमेजिन यू आर ट्रेनिंग द मॉडल फॉर 5 × 10, 50 टाइम्स तुम्हारा मॉडल ट्रेन हो रहा है. बट तुम लोग अल्टीमेटली देखो इसमें बेस्ट चीज क्या, देखो इफ यू गेट द बेस्ट नेबर्स ओवर हियर, तो बेस्ट नेबर्स क्या है मुझे देखो नीचे दे रहा है कि मेरा बेस्ट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या है 0.967, और वो मुझे कब आ रहा है व्हेन मेरा नियरेस्ट नेबर्स का वैल्यू क्या है 9. तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मेरे को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको प्लॉट भी कर सकता हूँ. तो देखो मैंने यहाँ पे इसको ना प्लॉट किया है. तो देखो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, मेरे नियरेस्ट नेबर्स के डिफरेंट वैल्यूज है, और देखो यहाँ पे मेरे क्या है, मेरे मीन ट्रेन स्कोर और टेस्ट स्कोर, ये मेरे क्या है, मेरी एक्यूरेसीज है. तो तुम लोग अगर इफ यू कंसिडर इट ऑन द टेस्ट स्कोर, तो इफ यू कंसिडर द ट्रेन स्कोर, ओके, तो क्या हो रहा है कि मैं जैसे जैसे मेरे नियरेस्ट नेबर्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ ना, मेरा एक्यूरेसी कम होते जा रहा है. पहले मेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा था, फिर मेरा एक्यूरेसी बहुत कम हो गया, ये ट्रेन पे है. पर अगर तुम लोग टेस्ट को कंसिडर करते हो, तो मेरा टेस्ट का है ना थोड़ा अनइवन है, मुझे प्रॉपरली नहीं आ रहा है ये. इफ यू सी ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है, देखो इफ यू कंसिडर कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है टेस्ट एक्यूरेसी का, तो यू कैन कंसिडर मेरा ये पॉइंट है, इसको मैं अगर नीचे ले लेता हूं, तो ये मुझे 4 और 6 के बीच में आ रहा है. तो 4 और 6 के बीच में वैल्यू 5 है, राइट? तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि आफ्टर आई हैव डन ऑल द एनालिसिस ऑन दिस ग्राफ, मुझे समझ रहा है कि k इज इक्वल टू 5 इज द बेस्ट वैल्यू फॉर माय नियरेस्ट नेबर्स. तो मैं क्या बोलता हूं कि 5 हो गया, k इज इक्वल टू 5 डिसाइड हो गया, नाउ आई ट्रेन माय मॉडल अगेन ऑन दिस. ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज द ग्रिड सर्च ऑप्शन फॉर लाइक द ग्रिड सर्च फंक्शन फॉर ट्रेनिंग योर मॉडल्स. ओके, okay, so this is we are done with the validation or wo sab ka part we are done. Now we'll be moving towards the metrics part. Jo metrics part jo hum log alag alag algorithms ke liye apply karte hain. Okay, limitations of accuracy. To hum log ko abhi tak kya lag raha tha ki humko jo accuracy aa raha hai, okay, to maine ye tumko bhi actually pehle bhi samjhaya tha, but ye example se tumko acche se samjhega. To consider a two class problem, okay, jisme mere paas number of class 0 ke examples kitne hain, 9990, और मेरे पास नंबर ऑफ क्लास 1 के एग्जांपल्स कितने हैं, 10. तो इफ द मॉडल प्रेडिक्ट्स एवरीथिंग टू बी क्लास 0, द एक्यूरेसी इज 990 डिवाइडेड बाय 10000, व्हिच इज 99.9. तो देखो मैंने तुम लोग को जो स्ट्रैटिफाइड फोल्ड का जो रीजन समझाया था ना, कि स्ट्रैटिफाइड फोल्ड हम लोग क्यों करते हैं, देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि अगर मेरे 99990 क्लास 0 वाले एग्जाम्पल्स है, तो मेरा मॉडल 99.9% टाइम्स करेक्ट रहेगा. And if you consider that as an accuracy, तो वो थोड़ा misleading हो सकता है. तो अगर तुम किसी को number बोल रहे हो कि अगर मेरा accuracy इतना अच्छा है 99.9% है, तो वो थोड़ा सा doubtful होना चाहिए. क्यों? Because मेरा data set जो था वो मेरा balance नहीं था. तो ये बहुत बार misleading हो सकता है. तो बहुत बार पता क्या होता है कि हमको ऐसा अच्छा value दिख जाता है कि हाँ भाई मुझे तो 99.9% accuracy आ गए, yes I'm happy now, my job is done. But instead तुम्हारा job is not done yet. You have been actually been fooled by the model. कि मतलब ये ना तुम्हारा 99.9% एक्यूरेसी है, टेक्निकली वो उतना भी नहीं होगा, बट वो कितना होगा. तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्यूरेसी से और बेटर थोड़ा मेट्रिक यूज करना पड़ेगा टू जज कि मेरा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो उसके लिए वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग टू टर्म्स, विच इज प्रिसीजन एंड रिकॉल. ओके, प्रिसीजन और रिकॉल से पहले मैं है ना कंसिडर, मैं कन्फ्यूजन मेट्रिक समझा रहा था. तुम लोगों ने बहुत बार देखा हो, मैं कल भी तुम लोग को ये हम लोग ने प्रिंट किया था, राइट, कन्फ्यूजन मेट्रिक, इफ यू रिमेंबर. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ना, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ और समझा देता हूँ कि ये वैल्यूज क्या क्या होती है, टीपीएलपी. ओके, मैं इसी में समझा देता हूँ. तुमको डायग्राम दिख रहा है, राइट? सो डायग्राम इफ यू सी, तो इसमें देखो मेरे पास यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने प्रेडिक्टेड क्लास पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कंसिडर कि मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन ही है, जिसमें मुझे ना सपोज ऐसा पेशेंट को प्रेडिक्ट करना, ओके, इफ अ पेशेंट हैज अ पर्टिकुलर डिजीज और नॉट, कि इफ द पेशेंट हैज दिस डिजीज तो वो पॉजिटिव है, नहीं है तो वो नेगेटिव है, बराबर. तो यहाँ पे क्या है मेरा, लेफ्ट में मेरा है ना प्रेडिक्टेड क्लास है, और राइट में क्या है मेरा, यहाँ पे ऊपर टॉप में क्या है, मेरे पास ट्रू क्लास है, परफेक्ट. तो मेरा प्रेडिक्टेड क्लास जो है, प्रेडिक्टेड क्लास क्या है, जो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, और ट्रू क्लास क्या है, जो वैल्यू मुझे पता है, मतलब यू नो मैंने टेस्ट डेटा जो मेरे पास रखा है ना सेपरेटली, उसमें भी कुछ वैल्यूज होगी, राइट, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरा प्रेडिक्टेड क्लास है, बराबर. सो फर्स्ट ब्लॉक कंसिडर करो,
इसको मतलब क्या बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि मेरा मॉडल का जो मतलब वो जितनी वैल्यूज जो है मेरे पास उसमें पता है क्या हो रहा है कि मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि वो पॉजिटिव है और वो एक्चुअली में पॉजिटिव ही है। ओके मतलब सपोज उसका आंसर इज वन एंड माई मॉडल प्रेडिक्ट द आंसर टू बी वन, तो आई वुड से कि उतने मेरे पास ट्रू पॉजिटिव है। वॉट इज अ फॉल्स पॉजिटिव? तो फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा कि मतलब उसका आंसर रियल आंसर जीरो है बट मेरा मॉडल उसका आंसर प्रेडिक्ट कर रहा है वन। ओके तो ये मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव क्या हुआ कि इसका आंसर वैसे पॉजिटिव है बट मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है उसका आंसर इज नेगेटिव। और ट्रू नेगेटिव क्या होता है, मेरा उसका आंसर नेगेटिव है पर मेरा मॉडल भी नेगेटिव ही प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके तो अब क्या हो रहा है कि अब मुझे ना थोड़ा बेटर आइडिया आ रहा है कि मेरा मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने इसको छोटा सा, हम लोगों ने यहाँ पे जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था ना, विल कंसिडर दैट ओनली अगेन। यहाँ पे मैं आई जस्ट राइट डाउन स्मॉल डेटा सेट, इस पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को वो कैसे आता है और कंफ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यूज कैसे हो। सो सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके मेरा प्रेडिक्शन बोलता है कि द आंसर इज सपोज टू बी 110 110 010, ऐसा कुछ तो सम रैंडम वैल्यूज। ओके और मेरा मैं बोलता हूँ कि एक्चुअल वैल्यूज क्या है, एक्चुअली में मेरा क्या है इसमें वैल्यूज, सपोज है 010। ओके मेरे पास वैल्यूज आई हैव रफली एट वैल्यूज ओवर हियर एंड ओके यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ 0 और 1। ओके तो तुम लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा है राइट, ये है मेरा प्रेडिक्शन जो मेरे मॉडल ने किए हैं और ये क्या है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज है। तो इसके बेसिस पे मैं मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे इसके बेसिस पे ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ओके इसको मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ आगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड की बेटा आई हैव रिटन द राइट आंसर 1 4 10 1। ओके आई एम सॉरी आई इट्स गुड एक्स्ट्रा वैल्यू। ओके फाइन नाउ वी आर गुड टू गो। सो अब मैं क्या कैसे करता हूँ कि मुझे फाइंड करना है कि मेरी ट्रू पॉजिटिव का वैल्यूज क्या है, मुझे फाइंड करना है मेरे फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, मुझे फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू क्या है और मेरे ट्रू नेगेटिव की वैल्यूज क्या है। ओके ये मुझे फाइंड करना है। तो अगर तुम लोग देखोगे मॉडल में तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज कितनी 1 है, एक्चुअल मेरे वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे कितनी है 1 है 1 2 3 4 एंड 5, मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज कितनी है 1 5 है। पर उसमें से अगर तुम लोग देखोगे तो कितनी एक्चुअली प्रेडिक्ट हुई है 1, तो ये और ये प्रेडिक्ट हुआ है, ये वाला जो सेकंड वाला जो है वो प्रेडिक्ट हुआ है बराबर, फिर थर्ड वाला प्रेडिक्ट हुआ है बराबर और ये वाला हुआ यहाँ पे प्रेडिक्ट। तो मेरा क्या हो गया, मेरे ट्रू पॉजिटिव की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3। बट अब क्या हो रहा है कि उसकी एक्चुअल वैल्यूज जो है, मतलब अगर मेरे पास प्रेडिक्शन में यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे उसके एक्चुअल वैल्यूज क्या है 0 है और यहाँ पे उसमें से कितने 1 प्रेडिक्ट हुए, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 एक्चुअल वैल्यू है बट उसकी प्रेडिक्शन क्या है 1, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखोगे तो ये 0 और 1 हो गया। फिर तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ 0 और 1 हो गया, तो तुम लोग देखोगे तो मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव कितने हो गए 3। ओके तो मुझे फॉल्स पॉजिटिव मिल गए। ट्रू नेगेटिव देख लेते एक बार, तो ट्रू नेगेटिव कितने हैं मेरे पास, ट्रू नेगेटिव मतलब क्या, उसका एक्चुअल वैल्यू 0 है प्रेडिक्शन भी 0 है। तो मेरे पास देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है 0, प्रेडिक्शन क्या है 0, 1 हुआ ये, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू देखोगे तो एक्चुअल 0 है और प्रेडिक्शन भी 0 भी है। तो मेरे पास ऐसे 2 वैल्यूज है, तो मेरे ट्रू नेगेटिव कितने हो गए 2। सो बाय डिफॉल्ट मतलब मेरे पास यहाँ पे 10 वैल्यूज है राइट, सो 10 वैल्यूज में से अगर मेरे पास 3 और 3 और 6 8 हो गया तो मेरे पास फॉल्स नेगेटिव कितने हो गए 2। मुझे ये कैलकुलेट हो गया मेरे पास ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव की वैल्यूज प्रेडिक्ट हो गई है। ओके अब मैं क्या करता हूं, ये मुझे जो वैल्यूज मिल गई है ना यहाँ पे, इसके बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। तो मेरी एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट कितनी होनी चाहिए, ट्रू पॉजिटिव, ये जो नीचे का जो समेशन है दिस इज द कंप्लीट डेटा सेट, और ऊपर क्या आएगा मेरा ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला था बराबर।
ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा क्लास लेवल प्रेडिक्ट होना चाहिए था वो हो रहा है परफेक्टली, ओके मतलब अगर उसका वैल्यू जीरो था तो वो जीरो ही प्रेडिक्ट कर रहा है, उसका वैल्यू वन था तो वो वन को वन ही प्रेडिक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो मेरा एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, ऊपर का सम विच इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई द टोटल। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक नया टर्म लाता हूँ विच इज प्रिसीजन एंड रिकॉल। सो वॉट डू दे मीन, ओके what does precision and recall mean? तो precision का मतलब क्या होता है, precision का मतलब ये होता है कि of all the positive predictions which have been made, so out of all the ones which have been made, what is the fraction of actual positives? समझ लो, मतलब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरा precision क्या बोल रहा है, precision मुझे ये बोल रहा है कि out of all the positive predictions which I have made, तो अगर ये ट्रू पॉजिटिव और ये फॉल्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको प्रेडिक्शन इसका क्या था, इसका प्रेडिक्शन पॉजिटिव था, तो आउट ऑफ द टोटल व्हिच हैव बीन मेड व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पॉजिटिव व्हिच इज 3 + 3 = 6, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली पॉजिटिव। तो अगर तुम लोग ये कंसिडर करते हो, ओके, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या होता है प्रिसीजन का, प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे पास ट्रू पॉजिटिव का वैल्यू 3 है और फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू 3 है, तो मेरा प्रिसीजन कितना हो जाएगा, 3/3 + 3 व्हिच इज 3/6 व्हिच इज प्रिसीजन विल बी इक्वल टू इन आवर केस इक्वल टू 0.5। मेरा प्रिसीजन कितना है मेरा ये केस में 50% है, ओके माय प्रिसीजन इज 50%। बट हाँ, तुम लोगों को अगर एक्यूरेसी देखना है, इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ एक्यूरेसी इज देयर, मेरा एक्यूरेसी कितना होगा, एक्यूरेसी विल बी इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव विच इज सरप्राइजिंगली द सेम इन दिस केस, बट वो कभी कभी है ना वेरी भी हो सकता है, ओके इट्स नॉट ऑलवेज द सेम, बट व्हाट माई पॉइंट इज दैट यू नो कि बहुत बार पता कैसा होता है कि मेरी एक्यूरेसी की वैल्यू है ना 0.9 आ जाएगी, बट अगर हम लोग प्रिसीजन देखने बैठोगे ना तो प्रिसीजन की वैल्यू 50% होती है। तो दिस प्रिसीजन इज द रियल मेट्रिक विच टेल्स यू हाउ योर मॉडल इज परफॉर्मिंग। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि ना तुम लोगों को प्रिसीजन का वैल्यू है ना उसको तुम लोग को इम्प्रूव करना है अल्टीमेटली बाय द एंड, ये प्रिसीजन का जो वैल्यू है वो इम्प्रूव होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज रिकॉल। रिकॉल का क्या होता है, ऑफ ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव्स, मतलब मेरे पास जितने एक्चुअल पॉजिटिव्स थे उसमें से कितने पॉजिटिव प्रेडिक्ट हुए। तो मतलब अगर तुम लोग वापस मेरे एग्जाम्पल पे हम लोग जाते हैं तो out of all the positives जो actually positive थे, okay, so of all the positives which are actually positive, तो अगर तुम लोग डायग्राम में वापस देखोगे तो डायग्राम में देखो of all the classes जिसके positive थे actually, which were actually positive, कितने उसमें से positive predict हुए। तो actually positive कौन से है, true positive और false negative, बराबर। तो मेरा recall का formula क्या होगा, true positive upon true positive plus false negative, okay, this will be the formula। तो मतलब तुम लोग को ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ना, फर्स्ट कॉलम में जो सम करोगे वो तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो तुम्हारा ट्रू पॉजिटिव का वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये मुझे क्या देगा, मेरा प्रिसीजन और रिकॉल। तो अब मैं क्या करूंगा कि क्लासिफिकेशन को अगर मुझे अच्छे से स्टडी करना है तो मैं एक्यूरेसी वो सब नहीं देखूंगा, मैं ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करूंगा। सो इनकेस एनीवन हैज फॉरगॉटन उन्होंने हमने कल कैसे किया था, जस्ट लुक एट दिस। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया, पहले फिट किया, फिर हम लोग ने एक्स टेस्ट को यूज करके वाई प्रेडिक्शंस प्रिंट किए, और फिर मैंने यहाँ पे मेरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया। तुम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिख रहा है, तो तुम लोग को पता है क्या है? मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को वही वैल्यूज कंसिडर करनी है जो अलॉन्ग दिस वैल्यू, तो मतलब ये 48 और 86 वाले जो नंबर वाली वैल्यूज है दैट यू हैव टू कंसिडर, वो वैल्यूज हाई होनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट योर अल्टीमेट, ये जो मेरी 4 और 5 वैल्यूज जो आ रही है ना मुझे यहाँ पे वो जीरो हो जानी चाहिए। मतलब क्या कि जो ट्रू पॉजिटिव है, मतलब जो एक्चुअली पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही प्रेडिक्ट हो रहा है, और जो मेरा नेगेटिव है वो एक्चुअली नेगेटिव ही प्रेडिक्ट हो रहा है। तो मेरे ट्रू पॉजिटिव और मेरे ट्रू नेगेटिव है वो कंप्लीटली ज्यादा होने चाहिए, और मेरा जो ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है वो मेरे मिनिमाइज हो जाने चाहिए। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव इसका, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। किसी को कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझने में कुछ थोड़ा डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ इट्स रियली इंपॉर्टेंट गाइस।
कंफ्यूजन मैट्रिक्स अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज वो समझ जाए ना तो फिर तुम लोग को वो आगे के मैट्रिक्स है ना वो समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। कुछ भी डाउट है मतलब कुछ भी वो प्रिसीजन या रिकॉल वापस समझाना तो मैं वापस समझा देता हूँ इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम विद दैट। जैसे अगर समझ रहा है ना तो बस हाँ यस बोल दो यार बस चैट से मतलब वो थोड़ा मतलब समझेगा। बिकॉज़ आई नो दिस इज अ बिट ट्रिकी टॉपिक थोड़ा सा समझने में टाइम जाएगा बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब अगर अभी नहीं समझ रहा है ना तो थोड़ा बाद में ये रिकॉर्डिंग भी देख लेना तो तुम लोग को और अच्छे से दो तीन बार सुनोगे ना तो अच्छे से समझ जाएगा। Yeah, yeah, we learned about confusion matrix and actually Pallav, I feel ki I won't be going into the ROC AUC curve now. I'll just go to the regression matrix and the clustering matrix because ye thoda sa bhi I guess high ho jayega abhi. I made it but I just keep it in the PPT. Maybe future mein inko abhi aage ja ke inko ye acche se samajhne laga na fir ye sab apne aap samajh jayega ROC and AUC curve. हाँ no, I'll find I'll just give me 5 minutes I'll just summarize it up now. मैं नीचे का जो पार्ट है ना वो थोड़ा कम है जिस पार्ट ROC का मैं थोड़ा सा वो बाद में सिखा दूंगा वो चलेगा if I get time. हाँ exactly okay guys ठीक है चलेगा। तो गाइस मतलब उन्होंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर समझ गया है ना तो अभी देखो ये कैसा केस होगा ये यहाँ पे हम लोगों ने उसमें पता कैसा था मेरे पास सिर्फ दो एग्जांपल्स थे बराबर। तो ये देखो ये वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसा है कि इसमें मेरे पास 10 क्लासेस है तो यहाँ पे लेफ्ट में अगर तुम लोग देखोगे वाई एक्सिस के अलोंग क्या है मेरा मेरे पास मेरा प्रेडिक्शन है और मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है मेरा ग्राउंड ट्रूथ है। ग्राउंड ट्रूथ क्या है मतलब मेरा एक्चुअल वैल्यूज है। तो तुम लोग ये डायगनल की वैल्यूज देखोगे ना ये सब सॉरी So, ये सब वैल्यूज तो है ना ये बहुत ज्यादा है राइट और तुम लोग बाकी की जो वैल्यूज देखोगे ना तो ये जीरो तो ये क्या है ये मेरा बहुत ही आइडियल कंडीशन है। अगर मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है कि डायगनल के अलावा ना मेरे मैक्सिमम वैल्यूज सब आ गई और मेरा जो बाकी की सब जो वैल्यूज है ना वो ऑलमोस्ट जीरो वन या बहुत कम वैल्यूज है तो आई वुड से कि माय मॉडल इज परफॉर्मिंग परफेक्टली फाइन देन आई एम सैटिस्फाइड मतलब मेरा मैं एक्यूरेसी में अकेला मेरा मैं एक्यूरेसी 99.9% देख के रुक नहीं जाऊंगा। वंस आई सी द कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर एक बार मैंने देख लिया स्टडी कर लिया और अगर ये ऐसा कुछ मेरे को आउटपुट आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज गुड माय मॉडल हैज वर्क रियली गुड एंड आई एम नाउ डन विद द क्लासिफिकेशन टास्क। तो ये टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा ओके। तो दिस इज वॉट यू डू फॉर अ क्लासिफिकेशन टास्क मतलब ये मैंने जितने मैट्रिक्स बोले ना अभी तक ये जो प्रिसीजन और रिकॉल हमने समझा ओके ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हम लोग ने प्रिंट किया ये हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए समझते हैं ओके। नाउ इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड रिग्रेशन तो रिग्रेशन में क्या था तुम लोग अगर याद होगा तो रिग्रेशन में मेरे पास कंटिन्यूस वैल्यूज थी बराबर मेरे पास उसमें लाइक प्रॉपर कंटिन्यूस मेरे पास कुछ ऐसा क्लास लेबल नहीं था कि मुझे ऐसा जीरो वन या ऐसी वैल्यूज प्रेडिक्ट नहीं करनी थी। हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्ट करा था हाउसिंग प्राइस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ओके लाइक एक पर्टिकुलर रेंज भी ले लिया 100 to 200 भी ले लिया तो उसके बीच में 100 पॉसिबल वैल्यूज है राइट। तो रिग्रेशन में हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट नहीं करते हैं। रिग्रेशन में हम लोग पता क्या करते हैं रिग्रेशन में हम लोग बस इतना मेक श्योर करते हैं कि मेरा जो एरर है ना लाइक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं वाई कैप तो मैं नोटेशन समझा देता हूँ क्या है वाई कैप क्या है मेरा वाई कैप मेरा प्रेडिक्शन है और वाई आई जो है वो मेरा एक्चुअल वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ उसके बीच का जो डिफरेंस है ओके जो डिफरेंस क्या देगा मुझे एरर देगा उसको मैंने सब एग्जांपल्स के लिए सम अप कर दिया और उसको मैंने डिवाइड बाय एन कर दिया तो ये मुझे क्या देगा मीन स्क्वायर्ड एरर। ऐसे मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर होगा और ऐसे मेरे पास रूट मीन स्क्वायर्ड एरर होगा। मेरा पॉइंट क्या है कि रिग्रेशन को अगर तुम लोग चेक करना है कि तुम्हारा रिग्रेशन का टास्क है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ तो तुम लोग मीन स्क्वायर एरर प्रिंट करोगे। इससे क्या होगा कि इसका वैल्यू अगर जितना कम होगा ना उतना ही तुम्हारा रिग्रेशन का जो टास्क है वो उतना अच्छा हुआ है। इसमें तुमको कंफ्यूजन मैट्रिक्स और वो सब में जाने की जरूरत नहीं है इसमें तुम लोग को सिर्फ ये सब तीन वैल्यूज भी तुम लोग ने अगर प्रिंट कर ली कि मुझे बस प्रिंट करना है साइकेट लैब में मेरा MSC कितना आ रहा है मुझे MAE कितना आ रहा है या फिर मेरा रूट मीन स्क्वायर कितना आ रहा है जितना भी आ गया बट आई गेट दैट वैल्यू आई एम सैटिस्फाइड कि मतलब इतना अच्छा वैल्यू आ गया है मेरा एरर बहुत ही कम हो गया है एंड आई एम डन विद माय रिग्रेशन।
रिग्रेशन के लिए तुम लोग ये कंसिडर करो। रिग्रेशन में एक और चीज होती है विच इज द आर टू स्कोर बोलते हो उसको, कि ये पता है क्या है, ये मेरा है ना प्रेडिक्ट, ये एक और स्कोर होता है इसका। मैं ना मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि ये स्टैटिस्टिक्स में कैसे इसको डिफाइन किया है, बट आई वुड जस्ट से कि मतलब ये फॉर्म भी है ना, आर स्क्वायर स्कोर भी है ना, साइकिट लर्न में डायरेक्टली होता है। तो इट इज बीन सेड कि मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एमएससी ये सब, जस्ट प्रिंट द आर स्क्वायर स्कोर, जो तुमने आई गेस कल किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट साइकिट लर्न में इसका फंक्शन होता है। तो तुम लोग अगर सिर्फ आर स्क्वायर स्कोर भी प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, तो ये भी तुम लोग को सबसे कम आना चाहिए वैल्यू। अगर जितना आर स्क्वायर स्कोर का वैल्यू जितना कम होगा, उतना ही तुम्हारा मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा। So now we'll go to the this was just like an explanation कि मतलब वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कि मतलब आर स्क्वायर स्कोर का वैल्यू हाई होगा या लेस होगा तो उसमें कैसे वेरी हो रहा है। ओके, तो आर स्क्वायर स्कोर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट आर स्क्वायर स्कोर आई वुड जस्ट से इट्स अ गुड मेट्रिक। इसका देखो तुम लोग का यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, वो लोग ऐसा कुछ दो फॉर क्वान्टिटीज प्रेडिक्ट किए, आर एस एस और टी एस एस, और फिर क्या किया, आर स्क्वायर स्कोर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस। कोई नोटेशन तो समझ ही जाएंगे, बिकॉज ना ये क्या है मेरा y1 और मेरा ये y1 क्या है, मेरा एक्चुअल वैल्यू ऑफ y1, और y कैप क्या है मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू वैसे। ओके, दिस इज द लास्ट थिंग, ये हम लोग अभी तक सुपरवाइज लर्निंग का लेके आया, राइट। अभी अनसुपरवाइज लर्निंग में तुम लोग कैसे करोगे? अब देखो अनसुपरवाइज लर्निंग में तुम्हारे पास आउटपुट वैल्यू भी कुछ नहीं है, राइट। तो उसमें तुम लोग के पास क्या कर सकते हो, कि उसमें तुम लोग को अगर तुम लोग को क्लस्टरिंग मैट्रिक्स कुछ भी देखना है, तो उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग उसमें भी है ना चेक कर सकते हो कि तुम लोग के जो क्लस्टर्स बने हैं, मतलब ये क्या है कि मेरा जो क्लस्टर्स बन रहे हैं अल्टीमेटली, आर दोस क्लस्टर्स आइडियल और नॉट। मतलब देखो यू नो हम लोग ने वो क्लस्टरिंग में हम लोगों ने कैसे देखा था कि वो ऐसा फ्रूट्स का अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वापस, तो फ्रूट्स हम लोगों ने कैसे लिया था कि एप्पल्स और बनानास और ऑरेंजेस, मैंने फाइनली सबको क्लस्टर तो कर दिया, फिर मैं क्या करता हूँ अल्टीमेटली जाके ना मेरा क्लस्टर चेक करता हूँ, क्लस्टर को चेक करता हूँ कि क्लस्टर में मेरी जितनी भी वैल्यूज है, तो जितने भी फ्रूट्स है मेरे पास वो परफेक्ट है कि नहीं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में पता है प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें मेरे पास मेथड्स है काफी सारी टू चेक कि वो परफॉर्म कर रहा है बेटर कि नहीं, बट अल्टीमेटली पता है कैसा होगा, इसमें है ना द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन मतलब क्या, कि वंस माय क्लस्टर्स आर फॉर्मड, आई एज अ पर्सन और एज अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट या एमएल प्रोजेक्ट, आई नीड टू माइसेल्फ चेक कि मतलब जो क्लस्टर्स बन रहे हैं ना मेरे, वो क्लस्टर्स प्रॉपर बने हैं कि नहीं बने हैं, वही मुझे बस उतना देखना है चाहते कि मतलब मेरे क्लस्टर्स प्रॉपरली बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसमें बहुत सारे और भी मेट्रिक्स होते हैं, बट दीज आर लाइक यू नो थोड़े बहुत अभी के लिए तो नहीं है, यू नो वी कैन बी लर्न लेटर ऑन, बट फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे पास मेट्रिक्स है। बट यू नो व्हाट दिस इज, कि अल्टीमेटली इट्स बेटर कि तुम खुद एज अ पर्सन बैठो और तुम लोग अपना क्लस्टर्स चेक कर लो कि जो क्लस्टरिंग मेथड से मेरा जो डेटा सेग्रीगेट हुआ है, तो मेरा जो सेग्रीगेटेड क्लस्टर्स है वो जो सेग्रीगेटेड क्लस्टर्स है उसमें डेटा मेरा है वो परफेक्ट है कि नहीं है, बस उतना ही तुम लोग को जाके देखना। सो दीज आर लाइक द फ्यू मैट्रिक्स विच आर टू बी कवर्ड। सो कुछ भी डाउट्स है क्या अभी तक? लाइक आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रो कि ये सब चीजों का, तो कुछ डाउट्स आ रहे हैं कोई भी चीज में? आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, यू नो आफ्टर दैट यू नो श्रेयांश कैन स्टार्ट हिज टॉपिक। कुछ भी डाउट आ रहा है, लाइक माइनर डाउट, कोई भी टॉप, कोई भी कंसेप्ट, जितना यू नो आई अंडरस्टैंड, मैंने काफी सारे टॉपिक्स एंड में स्किप करने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज एंड वो सब, बट मैंने जितने टॉपिक्स समझाया उसमें किसी में कुछ डाउट आ रहा है क्या? आई एम रेडी टू यू नो एक्सप्लेन इट अगेन। कुछ भी डाउट होगा चलेगा, इफ इट्स फाइन। आई थिंक दैट दे डोंट हैव एनी डाउट। Okay, perfect. So I guess okay. So I'll present my screen. Yeah, perfect.
So we do have a bit of a time constraint, but we do not have to worry. We'll make sure ki hum jitne bhi concepts seekhe, that might be very clear for all of us. So guys, can you see my screen? Can you see my screen? Like currently I am basically on the slide that shows diagnosing ML systems. Yeah, it's perfectly visible, Shreyans. Okay. So just starting. So I won't be wasting any time, and let's move on to how exactly we can diagnose our ML system. Basically, problem यहाँ आ रही है कि हमारे पास training हो गया है, सब कुछ हो गया है, but still ये issue हो रहा है कि यार training में इतना अच्छा हमारे पास accuracy आ रहा है. मैंने train किया था, training के time पे तो यार 99% accuracy था. बट अब मैं मेरे मॉडल पे डेटा डाल रहा हूँ, उसे ट्रेन करने की, बेसिकली रिजल्ट्स गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये तो इट इज वर्किंग वर्स. ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. तो आपका मॉडल जनरलाइज नहीं कर पा रहा है. द प्रॉब्लम इज जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन बेसिकली मीन्स दैट योर मॉडल इज नॉट एबल टू जनरलाइज टू एवरीथिंग. अगर आप एक बच्चे को यही सिखाओगे कि फ्रूट्स क्या होते हैं, तो कभी वो वेजिटेबल्स देख के नहीं बता पाएगा कि इन वेजिटेबल्स का नाम क्या है. So that is exactly the thing that is happening. आपने डेटा को constraintly train किया है या basically right तरीके से train नहीं किया है. इस वजह से क्या हो रहा है कि वो training data पे तो बहुत अच्छा कर रहा है, but it's not able to do as good as it could do on the training data, on the real world data. तो real world data पे हम कैसे better कर सकते हैं? How can we generalize our model even better? Let's see. So this is all about like generalization error को कैसे कम कर सकते हैं. No, so actually this slide I have not made this particular PPT because of time constraint. So I've gathered it from a big university university lecture. So basically that was some kind of a joke, which is actually true. क्या लोगों को लगता है कि accuracy नहीं आ रही है, so they plan to take a hand into neural networks and everything. But हमेशा जरूरी नहीं है कि अच्छा model लेने से ही आपको accuracy मिलेगी. Sometimes it's possible that right type of research and right type of knowledge can help you gain good results even with a simple model. So yeah, so our thing is model does not generalize to unseen data, fails to predict things that are not in the training example. So how to pick a model that has low generalization error? जैसे मैंने बोला कि हमें generalization अच्छा करना है, तो वो generalization के लिए जो error आता है उसको कैसे minimum से minimum करे? Let's see. First of all, वहां पे जाने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि how exactly ML models work. तो यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा है. यू गाइस कैन सी दिस डेटा. डेटा के चार पॉइंट्स, चार सैंपल पॉइंट्स वी कैन सी. इस मॉडल को अगर राइट तरीके से हमें फिट करना है इस मॉडल पे, देन एग्जैक्टली राइट तरीका क्या होगा? द राइट द वे ऑफ फिटिंग ऑन टू दिस मॉडल इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ यू बिटवीन दीज थ्री डायग्राम्स. जो मिडल में जो डायग्राम है वहां पे हमारा हाइपोथिसिस एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है इस मॉडल को. लाइक इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी वजह से एकदम परफेक्टली फिट हो गया है. मे बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. डिग्री टू से आपको ये परफेक्टली फिट हो जाएगा आपके हाइपोथेसिस इस मॉडल पे. और आप लेफ्ट में देख सकते हो कि आपने एक सिंपल लीनियर इक्वेशन से ट्राई किया फिट करने का, लीनियर रिग्रेशन से, एंड यू कैन क्लियरली से दैट वी हैव फेल्ड बिकॉज हम हमारे डेटा के ऊपर सही तरीके से फिट नहीं कर पा रहे हैं. एंड थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड डायग्राम में ये हो रहा है कि आपको लगा कि यार मेरी एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही है, मेरी एक्यूरेसी कम है करके, नहीं 80 भी कम है, 85 भी कम है. आपने क्या किया, मॉडल को और बड़ा बना दिया. आपने बोला नहीं पॉलीनोमियल रिग्रेशन पे जाएंगे और डिग्री पॉलीनोमियल का 2 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे जब तक 100% एक्यूरेसी नहीं आता. तो यू आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर टर्म्स कि यू वॉन्ट वेरी गुड एक्यूरेसी ऑन योर ट्रेनिंग. उसकी वजह से केसेस होते हैं जैसा थर्ड डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो एग्जैक्टली एज यू कैन सी, फर्स्ट केस में आपका मॉडल अंडरफिट हुआ है. अंडरफिट का मतलब ये होता है कि जितना मॉडल फिट होना चाहिए उतना भी फिट नहीं हो पाया है. बीच वाला मॉडल हैज गॉट परफेक्टली फिटेड ऑन टू द मॉडल. जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, बट यू कैन क्लियरली सी इन द मिडल डायग्राम दैट योर मॉडल हैज फिटेड प्रॉपरली. थर्ड डायग्राम इज वॉट वी कॉल एज ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग एंड जस्ट फिटिंग इन द राइट वे. ये थ्री वर्ड्स ML के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, फिट बेसिकली ओवरफिट एंड अंडरफिट. सो ओवरफिटिंग में क्या हुआ, आपने बोला कि यार एक्यूरेसी 100% चाहिए मुझे मेरी ट्रेनिंग में. आपने मॉडल को कॉम्प्लेक्स बनाया और कॉम्प्लेक्स बनाया, एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंस. नाउ कमिंग अहेड,
इस पे बहुत डिटेल में अनुज गए थे. आई डिडंट नो दैट अनुज वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, सो आई डोंट एक्चुअली नीड टू गो इनटू इवन इवन इनटू अ बिट ऑफ डेप्थ इनटू दिस टॉपिक, बिकॉज अनुज हैज एक्सप्लेन्ड इट रियली रियली गुड इन अ रियली गुड मैनर, कि आप कैसे जनरलाइज ऐसे एरर को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वैलिडेशन कर सकते हो. बेसिकली आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, द इश्यू इज कि यार व्हेन यू आर ट्रेनिंग द डेटा, फिर जब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आते तो यार यू कंप्लीटली फेल मिजरेबली, तो वो उसको कैसे सॉल्व करें. तो एज अनुज हैड सजेस्टेड कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्प्लिट योर डेटा इनटू टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा. फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रेन योर डेटा ऑन द टेस्ट ऑन द ट्रेनिंग स्प्लिट एंड फाइनली टेस्टिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना मॉडल जनरलाइज कर पा रहा भी है या नहीं कर पा रहा है. और उसमें भी एक इशू होता है कि यार आप टेस्ट से ही कंपेयर करोगे ना, तो यू माइट नॉट बी एबल टू जनरलाइज वेल, तो उसके लिए वैलिडेशन आ जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम के फोल्ड मेथड यूज करते हैं, जो अनुज ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि ट्रेनिंग डेटा को भी आप फोल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करो. एवरी टाइम यू विल ट्रेन ऑन के माइनस वन फोल्ड्स, सॉरी बेसिकली या के माइनस वन फोल्ड्स पे हम ट्रेन करेंगे, और एक ऑन अ सिंगल फोल्ड वी विल बेसिकली चेक कि हमारा एक्यूरेसी कितना है. सो आई वोंट बी गोइंग इनटू डेप्थ्स ऑफ दिस, बिकॉज ये बहुत अच्छी तरीके से पहले एक्सप्लेन हो चुका है. तो माई सिंपल टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स आई मीन कि जनरलाइजेशन अगर अच्छी तरीके से करना है आप लोगों को, देन आप वैलिडेशन का यूज कर सकते हो और टेस्टिंग डेटा ऑफकोर्स, बिकॉज वेन यू विल टेस्ट ऑन समथिंग देन यू विल रियलाइज कि आपका मॉडल कितना पानी में है और एक्चुअली कितना इट्स डूइंग वेल और नॉट. Now exactly coming back onto the track, bias variance. अब ये bias variance क्या होता है? हमने समझ लिया कि left वाला model जो है वो underfitted है, middle वाला model perfectly fit and right वाला model जो है वो overfit कर रहा है. तो इनको terms दिए जाते हैं कि जब एक model underfit करता है, जब model उतना भी नहीं कर पा रहा है जितना उसे करना चाहिए, तो उसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा biased है ये model, बहुत ज्यादा biased है, high bias बोलते हैं उसको. एंड वेन वी कम टू वर्स द लास्ट मॉडल, तो लास्ट मॉडल में एक्जैक्टली क्या हो रहा है, आपने मॉडल को अच्छी एक्यूरेसी करने के चक्कर में, अच्छी एक्यूरेसी तक लेके जाने के चक्कर में, यू हैव लिटरली स्पॉइल्ड द एंटायर फ्रेम, बेसिकली एंटायर फिट ऑफ द मॉडल. मतलब अब कोई, नाउ बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डेटा यू कैनॉट इवन विजुअलाइज की कोई बेसिकली कोई फॉर्म भी है या नहीं इस डेटा का. सो क्या हो गया, ये हाईली वेरीड हो गया है, इसकी वेरियंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सो इन सिंपल टर्म्स, अभी के लिए इफ यू वॉन्ट टू लर्न इट, then you can simply say कि whenever a model underfits, basically जब उसको जितना करना है उतना भी वो नहीं कर पा रहा है, तो we say it's a high bias model. और जब एक model बहुत ज्यादा over accuracy के पीछे पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे accuracy चाहिए, मुझे अच्छी training चाहिए, अच्छी training करने के चक्कर में variance बहुत बढ़ जाती है, high variance, high bias. And now talking about the last term is very simple, too simple and too complex. The first model is too simple, इतना simple भी नहीं चाहिए, थोड़ा complex बनाना पड़ेगा. But do not make it too complex. Do not never go into too much complexity. Utni complexity 90% of the times is not even required. Mark my words. So now coming on to regularization. Regularization pe you guys, maine regularization ke baare mein zyada main deep mein gaya bhi nahi hu is slide mein. Par main short mein batana chahunga ki regularization kya hota hai. Kabhi kabhi kya hota hai ki hume majboori mein model ko complex hume bahut sare features aur parameters hume lene padte hain. मॉडल को ट्रेन करने के लिए. पर क्या होता है कि वी डू नॉट नो कि हमें इतने फीचर्स एक्चुअल में लगेंगे भी या नहीं. मतलब फॉर एग्जांपल वी वर टॉकिंग राइट कि यहाँ पर जस्ट या सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो मॉडल हमने ओवरफिट किया है उसमें देर आर सो मेनी पैरामीटर्स, थीटा वन, थीटा जीरो, थीटा वन, थीटा टू, थीटा डी, थीटा फोर. तो समटाइम्स वी डू नॉट नो कि यार इतने पैरामीटर्स लगेंगे या नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं कि यार लेट्स टेक सो मेनी पैरामीटर्स बट वील रेगुलराइज देम. बेसिकली उनको कंस्ट्रेंट करना है, उन्हें रोकना है फ्रॉम गोइंग इनटू टू एक्सट्रीम वैल्यूज. मतलब हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमें उन्हें सिखाना तो है, वी आर हैविंग सो मेनी पैरामीटर्स बट वील मेक श्योर कि दे आर रेगुलराइज्ड, दे आर नॉट ग्रोइंग इन एन एक्सटेंसिव मैनर, एकदम फ्लक्चुएट नहीं हो रहे एक्सेसिवली. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कंट्रोल आर ट्रेनिंग, उसे एकदम वेरीड बेसिकली हाई वेरियंस तक जाने की उसे अनुमति नहीं देने वाले हम लोग बेसिकली. So that's exactly my point. तो यहाँ पे you can see more the regularization, less complex will the model be. तो जैसे मैंने बोला कि regularization बढ़ाने से क्या होगा, you are restricting the model. आप उसे रोक रहे हो to reach extremities. You are stopping the model from gaining too much variance. तो you are controlling it. तो when you are controlling the model, when you are increasing the regularization, your model becomes less complex.
And when you are refusing, you say that I do not want too much regularization. I want to train my model. Jitne bhi parameters ho, 10 ho, 20 ho, I want to train them acche se. Tab problem aati hai high variance ki. Tab model ko koi restrictions nahi hote. Nobody is there to stop it. Nobody is there to force it to basically control the entire training procedure. Tab issues hote hai jo that we call as high variance ke. Model bahut complex ban jata hai tabhi. So that is regularization. Now I don't think that I want to explain too much. You can clearly see ki jab bias bahut zyada hai, jab model underfitted hai, tab humne regularization bahut zyada kar liya hai. Because humne bahut zyada regularization kiya, us wajah se kya hua, model ko bahut constraint pe kar diya hum log ne. We stopped the model from fluctuating thoda bhi. Us wajah se kya hua ki ye bias bahut zyada ho gaya. और टू लिटिल रेगुलराइजेशन क्या हुआ, अगर आप रेगुलराइजेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, यू आर लेटिंग द मॉडल ग्रो इन व्हिचएवर वे इट वांट्स, यू आर लेटिंग द मॉडल टू फ्लक्चुएट इन एनी वे इट वांट्स, तब इश्यूज होते हैं हाई वेरिएंस के. मॉडल क्या है, बहुत फ्रीडम मिल गया है, पैरामीटर्स हैव गॉट द फ्रीडम टू बेसिकली टू गो टू एक्सट्रीम वैल्यूज, तब बहुत स्पॉइल हो जाता है आपका मॉडल और बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है. सो आई होप कि ये सारे टर्म्स का अभी सेंस बन रहा है एक एक करके, कि अंडरफिट हो रहा है तो बायस हाई हो जाएगी, और बायस हाई हो रही है मतलब योर मॉडल इज टू सिंपल. एंड व्हेन द मॉडल इज टू सिंपल, वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि आपने बहुत ज्यादा रेगुलराइजेशन कर दिया. ऑफ कोर्स द फर्स्ट रीजन इज कि आपने मॉडल को सिंपल रखा, आपने ज्यादा पैरामीटर ही यूज नहीं किया. सेकंड रीजन कैन बी आपने पैरामीटर तो अच्छे खासे यूज किए, बट आपने इतना ज्यादा रेगुलराइजेशन कर दिया है कि यू आर नॉट लेटिंग द मॉडल ट्रेन ओनली प्रॉपरली, बहुत कंस्ट्रेंट कर दिया मॉडल को. एंड वाइस वर्सा गोज फॉर ओवरफिटिंग, जहां पे आपकी वेरियंस बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज बहुत मॉडल कॉम्प्लेक्स बन चुका है. And it's happening because आपने regularization ही नहीं किया है. You are not basically constraining the model. तो आपको ये decide करना भी बहुत जरूरी है कि कितना regularization करना है ताकि मेरा model rightly fit हो. So now comes कि यार now एक one comes a very important point कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा model underfitted है या overfitted है. ये भी एक important point है, because हमेशा तो we cannot visualize our data, right? So let's see how we can check whether our data is underfitted or overfitted. तो जैसे आई वॉज टॉकिंग, जैसे जैसे आप पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे यू ट्राई टू, गाइस फॉर्मूला पे फोकस मत करना, एक्चुअली आई हैव ग्रैब्ड दिस पर्टिकुलर पीपीटी फ्रॉम अ लेक्चर, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूलाज है, बट वी डो नॉट हैव टू गो इनटू एनी ऑफ द फॉर्मूलाज, तो जस्ट फोकस ऑन द ग्राफ. तो एज आई वॉज टॉकिंग, जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे यू कीप मेकिंग योर मॉडल कॉम्प्लेक्स, तो आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम होगा, क्योंकि यार वो उसी पे ट्रेन हो रहा है और बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना के इट इज एबल टू मैनिपुलेट ऑन द डेटा. पर क्या ये जरूरी है कि आपने जितना उसे कंस्ट्रेंट दिया है, जितना उसे फोर्स किया है ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा होने को, उतना ही अच्छा वो क्रॉस वैलिडेशन पे भी हो जाएगा, उतना ही अच्छा वो टेस्टिंग पे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. तो दिस इज द पॉइंट. आप पहले देख सकते हो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत कम है, जब लेट्स अज्यूम आपने एक लीनियर लाइन ही ले ली है डेटा के लिए, डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए, तब आपका क्या प्रॉब्लम होगा, आप ट्रेनिंग पे भी एक्यूरेसी नहीं गेन कर पा रहे हो और ना आप टेस्टिंग पे गेन कर पा रहे हो, बिकॉज आपने उतना अपना योर मॉडल इज टू सिंपल, यू हैव टू मेक इट अ बिट कॉम्प्लेक्स. ओके ओके आई गॉट द रिव्यू, आई हैव टू मेक इट अ बिट कॉम्प्लेक्स, नाउ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. मैंने धीरे धीरे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाया, ओके मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम हो रहा है, एंड आई कैन सी, आई एम सो वंडर टू सी कि ओके मेरा टेस्टिंग एक्यूरेसी भी, सॉरी टेस्टिंग एरर भी मेरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ट्रेनिंग एरर भी कम होता जा रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट नाउ व्हाट आई सी, आई बिकम ग्रीडी, अरे यार बहुत मजा आ रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी ट्रेनिंग एरर भी कम हो रहा है एंड वैलिडेशन एरर भी कम हो रहा है, तो लेट्स मेक द मॉडल इवन मोर कॉम्प्लेक्स. आपने और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की, फिर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज देन सिचुएशन अराइजेस लाइक दिस ऑन दैट यू कैन सी ऑन द राइट. आपका मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है ट्रेनिंग डेटा को लर्न करने के चक्कर में, इट फॉरगेट्स दैट इट्स एक्चुअल एम इज टू जनरलाइज. हमारा एक्चुअल एम है कि हम जनरलाइज अच्छे से कर पाए टेस्टिंग डेटा पे, जो नहीं हो पा रहा है, सो वहां पे हाई वेरिएंस आ जाती है. यू कैन क्लियरली सी ऑन द लेफ्ट यू हैव अ हाई बायस, जब आपका ट्रेनिंग एरर भी बहुत ज्यादा है एंड टेस्टिंग एरर भी ज्यादा है, व्हाइल वेरियस वेरिएंस के टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका ट्रेनिंग एरर बहुत कम हो गया है, क्योंकि योर मॉडल इज कीप ऑन ट्रेनिंग एंड कीप ऑन बिकमिंग बेटर, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने, हो गया अच्छे से हो गया, पर एज यू कैन सी टेस्टिंग में आप you couldn't even do barely well. So that is a very important point. Regularization. Now we'll see regularization बढ़ाने से क्या होगा. तो जैसे हमने देखा कि अगर regularization हम लोग बहुत कम रखते हैं तो आपका बहुत ज्यादा variance होगा. तो you can clearly see कि ये lambda की value है ना, lambda is a hyper parameter जो you can see in the graph. Lambda से आपका regularization को आप control कर सकते हो. तो lambda की value जब बहुत कम है
तब आपका ट्रेनिंग एरर तो बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, ऑफ कोर्स बिकॉज आपने लैम्डा की वैल्यू कम रखी है, तो यू हैव नॉट रेस्ट्रिक्टेड द मॉडल इन एनी वे, रेगुलराइजेशन इज नॉट देयर, तो योर मॉडल हैज फ्रीली एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग एंड पूरी तरीके से इट कम वेरी गुड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, एंड एज यू कैन सी उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स बन गया दैट इट कुडंट गेन गुड एक्यूरेसी ऑन द बेसिकली ऑन द टेस्टिंग, सॉरी इट कुडंट गेन अ वेरी लेस लॉस ऑन द टेस्टिंग डेटा. पर एज यू कैन सी कि मैंने जैसे जैसे रेगुलराइजेशन धीरे धीरे बढ़ाया तो बीच में एक ऑप्टिमल पॉइंट आता है, बट देन आई बिकम अगेन ग्रीडी, मैं बोलता हूँ यार अच्छा आ रहा है तो और बढ़ाऊंगा, और रेगुलराइजेशन के बढ़ाने में के चक्कर में क्या हुआ, आपने मॉडल को इतना ज्यादा कंस्ट्रेंट कर दिया कि मॉडल टू सिंपल, मॉडल बिकेम टू सिंपल, उसकी वजह से ट्रेनिंग एरर भी बढ़ गया एंड टेस्टिंग एरर भी बढ़ गया. तो एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड दैट हाई वेरिएंस ये साइड है और हाई बायस ये साइड है. ओके, सो हमारा डेटा, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि यार हम लोग जनरलाइज नहीं कर पा रहे, तो शुड वी गेट मोर डेटा, गेटिंग मोर डेटा डज नॉट हेल्प ऑलवेज. So what, how do we know that if we should collect more data or not? तो वो भी देख लेते कि यार डेटा बढ़ाने से हमें कोई मदद मिलेगी क्या, क्या लोग बोलते हैं यार एक्यूरेसी नहीं आ रही डेटा बढ़ाओ, एक्यूरेसी नहीं आ रही डेटा बढ़ाओ. तो लेट्स सी, लेट्स डिग इनटू द फैक्ट कि क्या एक्यूरेसी बढ़ाने, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए द बेस्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज डेटा इंक्रीजिंग और नॉट, लेट्स सी. तो एज यू कैन सी जब मेरा सैंपल वन है, सिर्फ फोकस ऑन द ग्राफ्स, ओके, डोंट फोकस ऑन एनी फॉर्मूला, जब ग्राफ्स पे देखते जाना. फर्स्ट डायग्राम एम इज इक्वल टू वन, तो यार आपने क्या किया, आपने एक रैंडम सा आपने उसको ओवरफिट कर लिया, आपने m इक्वल टू वन को ओवरफिट कर लिया, आपने कोई तो कॉम्प्लेक्स मॉडल से आपने m इक्वल टू वन को ओवरफिट कर लिया, जहां से वो पास हो रहा है आपने उसे पास करा दिया, सो यू आर हैप्पी. पर क्या ये पहला डायग्राम आपके टेस्टिंग डेटा के ऊपर एक्यूरेसी गेन कर पाएगा, थोड़ी भी एक्यूरेसी गेन कर पाएगा किया, इट कैन नॉट, इट जस्ट कैन नॉट गेन एनी एक्यूरेसी ऑन द टेस्टिंग टेस्टिंग डेटा, बिकॉज यार ये एक पर्टिकुलर एक डेटा पे ट्रेन है तो कोई उसका मतलब ही नहीं है. देन ओके, तो यू से कि ठीक है यार डेटा और बढ़ाना पड़ेगा, तुम दो बढ़ाया, दो पे भी वो इतना नहीं है कि वो जनरलाइज अच्छे से कर पाए, देन यू मेक इट थ्री फोर फाइव सिक्स एंड यू कैन सी कि जब तक एन इक्वल टू सिक्स हुआ ना तब तक यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ एग्जैक्टली डेटा है क्या, मतलब आपको उसका एक पिक्चर आया माइंड में कि डेटा कैसे है और उसको मैं कैसे फिट कर सकता हूँ. तो मॉडल के लिए भी सेम चीज होती है, पहले मॉडल कुडेंट अंडरस्टैंड बट धीरे धीरे डेटा बढ़ने पे इट कुड विजुअलाइज कि यार डेटा एग्जैक्टली डेटा का क्या स्ट्रक्चर है और कैसे मैं उस पर फिट कर सकता हूँ बेटर, तो इट हैज डन इट गुड. पर एक प्रॉब्लम होती है यार, लोगों को लगा कि यार मैंने छह सैंपल किए तो यार थोड़ा सा अच्छा फिट हुआ, तो क्या मैं और बढ़ाता जाऊँ, क्या मैं और करता जाऊँ कुछ मुझे इंप्रूवमेंट मिलेगा, तो लेट्स सी वेदर इट हैपेंस और नॉट. आपने डेटा बढ़ाया बट आपका मॉडल बहुत सिंपल है, आपका मॉडल इतना सिंपल है कि यार आपको चाहिए एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपके इस डेटा को ट्रेन होना है तो उसे एक पॉलिनोमियल ग्राफ चाहिए, पॉलिनोमियल हाइपोथेसिस चाहिए, बट आप तो यूज कर रहे हो लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट यू वांट टू यूज लीनियर रिग्रेशन ओनली, एक सिंपल लाइन से आपको फिट करना है, पर आपका डेटा जो है दैट रिक्वायर्स अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन. तो उसमें क्या होगा कि आप चाहे कितना भी डेटा बढ़ा दो, इट्स नॉट गोना फिट. तो एग्जैक्टली दिस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लेफ्ट वाले गैप में क्या इशू हुआ है कि यार यहाँ पे आपने ट्रेनिंग साइज कितनी भी बढ़ा दी तो भी आपका ट्रेनिंग लॉस ज्यादा ही है और वैलिडेशन लॉस भी ज्यादा है. एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग अ कॉल. Actually, because like we have also planned for another session. So actually, our speaker or the guest we have called, he is already there. So I will continue only like I was thinking like I think that only 5 or 10 minutes of my session was left. So we can continue it later. But since we have our guest already, so we'll be continuing with that now.
Hi, can you guys hear me? Okay, yeah. So as she told, I'm Sashwat. I graduated from IIT Kanpur. So I've been called here to describe my journey in ML field. I actually was a mechanical engineer in the beginning. I took admission in the mechanical branch. And in 2017, I interned at the Ohio State University. And there I got to learn a few things about machine learning. So actually I was working on a regression model and I came in contact with a few of people who were working in machine learning fields. So from there, my ML journey actually began. So at the end of 2017, I took a few courses, like everybody does that, taking courses online and doing the end-to-end course. So I did that and I got really interested in machine learning. So what I did, apart from my BTech in mechanical engineering, I also took a second major in computer science and engineering from IIT Kanpur itself. So after that, like from IIT Kanpur, the course curriculum in computer science was very rigorous, and I got to learn a couple of things and a new things in machine learning that were actually not in the Andrew NG courses and online available courses. And in 2019, I got a good chance to intern at the National University of Singapore. So after that, I have recently joined in Samsung as a researcher and the AI visual intelligence team. So I'm working in the vision research group at Samsung. So that's my journey. Is it anything like I wouldn't want to keep it brief, my journey. If anyone wants to ask me a question about what to do, they are open to do. Okay, I would say like I would keep journal. So getting an internship is learning would a very new one should target. For that, you will have to have a very good understanding of ML basics, the machine learning algorithms, and at least be fluent of the frameworks, like either be fluent to get an internship in ML or if someone is interested in data, they can. A lot of startups currently opening in India, so the and as we say, field is being tried to a lot of people on LinkedIn and see. So getting an internship is the hello. Yeah, I'm extremely sorry, but I have to interrupt you. But your voice is actually breaking, so couldn't hear what you said in the last. So, okay, so I was saying that to get into ML, the best field, the way in the field. To have a good understanding of ML, the mathematics behind the ML algorithm, as well as being fluent in one of the frameworks like either in PyTorch or Keras or TensorFlow. So that there are a lot of startups in it. And Samsung and these. Essentially, these particularly with ML and deep learning. There are a lot of banks also that work, like JP Morgan also has openings in learning. So you can apply there as well. So you just have to keep your eyes open for internship positions. And you like have of opportunities connect with people on that. Hello.
Yeah, actually, your voice is bad. We couldn't hear anything right now. The last 10 seconds, I guess. No. I was done. Like, is there anything in particular you want to ask? Is there anything, guys? Just feel free to ask in the chat box or something. Okay. Hello. Hi, Shashwat. Actually, I just wanted to ask, a lot of ML postings these days of jobs and stuff, they often require a master's or a PhD. Mm-hmm. What's your view on that, and how can we circumvent that? Thank you. Yeah. Particularly say that they require rejected. If you have great experience, great work, and have a GitHub file, then they do consider people like circumventing. And most of the companies don't have a hard and fast MS. Cool. Thank you. What do you mean by how was my what? Particularly they want to ask, like So I asked, like, how was it possible for you, like, what kept you going and all that? Okay, how was it possible? Like, in IIT Kanpur there program called double major, so you can actually while pursuing a major like BTech in one field, you can also major in the second field as well. So it was like beneficial for me, and as I was interested in it, I took the second major. For me, why I took it was I when I see myself 5 years down the line, I didn't see that I could be doing great steps in mechanical engineering, and taking a second major would change my future, and it actually has. So I actually have no regrets taking that decision. Was it enough? Like, did that answer your question? Yeah, one more, like, how you made it possible to, like, do both things at a time, mechanical also and this also? For that, you have to do it. If you want to do something effective, and I like computer, so much for me. Okay, thank you. Any other question? Okay, sorry, I had a question, Chashwat, actually. Yes. So, okay, I had just one question. Like, once we are, someone is learning, like, ML for some years, like, right now, and, you know, now it's, like, a time to streamline towards something. So, how would, what would the correct path be? Like, you know, how should I decide it? Like, you know, if there's someone who's been learning, like, ML for over a year now, and he has worked on good projects or something, and you know, by the time it's time now, you know, he'll be graduating in some time now. So it's just like some random person who has just learned ML for 1-2 years now, and he'll be graduating. So after that, how should his learning path be? Or how should he be looking towards his career?
after graduating, I think it's very important that you pick a niche, like either be very proficient in computer vision or choose NLP or reinforcement. Do not try to dabble between a lot of fields, because every field in itself is very vast and very huge. So if you are going in a particular direction, just take that and not dabble between fields. Okay, so that would be a path for someone who is properly into learning ML, right? And if someone is like juggling between, like, you know, he's also learning something related to data science and stuff like that, so how will that path be different for that person? I didn't get your question. Like, I just think, you know, if someone is fully concentrated on ML or deep learning, for example, and there's this other guy who's completely concentrated on like stuff like data science, more of statistics and applying the statistical models there. And or maybe, you know, I would just say job of a data analyst or something similar to that. So I don't actually have an idea of data analyst or data science team, because I mostly am working on computer vision. So I cannot say on that. Okay. But you, the suggestion would be, you know, just streamline towards any one of these fields. It could be computer vision. Try to be a master in one field rather than playing with different fields. So will that if you're applying for any job, for apart from like if I'm good in computer vision, so, you know, if I want to get a job for something related to language or something in a language, so will that decrease my chance? Because you know what I feel is that my concepts, the core concepts are the same, right? The core concept of how I understand neural networks or something like that, that remains the same. But it's just, you know, I have to pick up a niche now. So how will that reduce my chance of getting a job? Another person having good proficiency in NLP would have definitely have an upper hand on you if while applying on during a job, if there are limited seats. But if there are enough seats, they do consider people. I have seen people going from computer vision to data science. So that's not very difficult, but if there are limited seats, then definitely it will be disadvantageous to you. But let's say if you are only applying in computer vision, then you will have an advantage over other people as well. Yeah, because what I had this perception that, you know, the core concepts remain the same, right? Ultimately, you know, you just have to divert towards something. So that is yes. Okay, thank you. Yeah. Hi, Shashwat. Actually, had a small doubt. As a fresher, is it really important to fall into a niche? Won't that be non-beneficial for someone who has to learn his basics and foundations which a college cannot teach him? So first learn development and then move towards deep learning as your job is telling you to. I think that being with different fields, I have already done in the last, say, asking a person who was previously worked in 2 years machine learning. I think that time enough for anyone to work on computer vision and NLP and different fields. But this is my personal view, and it may be correct, not be correct. This is how I have seen things, and now I have seen other things happening around. So yes, getting to a niche definitely help you in your career, job field. All right. Thank you, Shashwat. I'll just see if you all are in machine learning, just be interested in that. Don't get said by thing. I was in college, I used to get just by these quant firms and SPs and
more than machine learning jobs. So in the long run, that won't affect your career. Getting a few lakhs more or less won't affect your career, but don't just leave this field because someone else is paying more. That's like to say. Okay, hello everyone. I'm audible. Okay, hi. So I'm a final year IT student, Swapnil. And how I started was my father once told me, Swapnil, look at this AI thing. It's getting really big. Just read about it. So I read a few articles, and one of the first ones I read was from this DeepMind's AlphaGo. If you guys have heard about it, it was one of the first AIs which beat the human world champion of Go. So Go is a Chinese variant of chess, just more complicated than that. But this was like the first time an AI had actually beat the human world champion. And one of the first things that guy said, the world champion, after the match, was that he was looking at a move that the AI played. And he said, this is not a human move. A human cannot play this move. And I was like, what? What is that? Why is he saying that? It was like, a human cannot come up with this move, looking at all the possibilities and coming up with this elegant, fascinating move. He was so surprised. And so was I. And I was so fascinated with AI that I just started, as Shashwat said, you have to do the Stanford courses, Andrew Ng. Machine learning A to Z on Udemy. Actually, I left that course halfway and I just started doing projects on my own. And I think that's a great way to learn. I just started doing hackathons. Hackathons are extremely, extremely beneficial. Like to, Anshul, yeah, that was great. Hackathons, it's extremely beneficial to learn something you don't know in like 24 hours. So always like participate in hackathons. So I went to the IBM hackathon in IIT, we won that. Then the NVIDIA hackathon, we came second there. And all of these experiences helped me gain the confidence to get my first internship. And that's the second lesson. Shashwat also said this, look at LinkedIn. Just cold email people on LinkedIn. People love getting respected. Just say, okay, hi, I have these experiences in machine learning. Can I work under you for free? Or if you have any project, can we collaborate? People love this, and especially in ML, there's so much room to get like so many opportunities. So always cold email people on LinkedIn and connect with them. So that's like one of the best things I did. And I got my first internships at MetLife where I built a chatbot for them, which is currently actually being used by 10,000 employees. I built an HR chatbot for them. And once I did that, I got accepted next summer at London School of Economics, where I went to study machine learning. And alongside that, I also did an internship there in London. So yeah, it's all about just cold email. I emailed like 30 people in London just to get like a one hit. So there's a high rejection rate. So don't get it twisted. Yeah, so you'll email like 30 people and probably you'll get like 3 to 4 back. But that's the ratio you are aiming for. If you get that one shot, I mean, you're golden. So yeah, cold emailing really helped. And most recently, I interned at Midas Labs, where I did some of my first research. And I would say really test it all out. Test out what you like, as Ashwat said, whether like CV or whether you like NLP. Really like test all this stuff out, taste everything. Taste research, taste comparative data science, like Kaggle. Just taste everything, see what you like, and then really go in on that. So I'm like between Shashwat and Shreyans. So you do get a mastery in one, but you also taste other stuff just to keep yourself aware and see what you like. It may change what you like. And especially recently in ML, there's such a huge boom of auto ML. So people are so worried that data science jobs will go because auto ML is coming. It can do the basic processes of cleaning the data, creating a model so easily. So be aware of these new trends.
see on which side of the board you want to be. Do you want to be the one who is getting automated? Like machine learning right now is making stuff automated, which other people were doing. So it's taking away jobs. And now AutoML is coming and taking away machine learning jobs. So always keep yourself aware and abreast of the new developments, because machine learning is such an expanding field that always there's something new happening, even in NLP itself or CV itself, wherever you decide to specialize. Keep abreast with the new news. And because AI is such a fast moving field, to remain employable, you need to really keep abreast. And one of the best things to do that is Kaggle, because in Kaggle, people often are using the best and the most recent state-of-the-art methods, which you get to experience from, learn from other people. So yeah, Kaggle was a big boon when I tried it last year, the year before, and I won a couple of bronze medals. But that's not important. The important thing is to learn from Kaggle and apply it wherever you want, in your personal projects or in your internships, to get those internships. And regarding Kaggle, it's extremely important. Just try it out, try everything out, try research. If you like doing research, email research assistants on LinkedIn. Okay, hi, can I do a project with you? People are really happy to help, especially in machine learning. So so that was my journey up till now. Would love to have any questions. I would love to answer them. Yep. Hi Swapnil, I am Vishal from second year. Hello. So I had this one doubt that suppose now I only know basics of development and basics of problem solving and all that. So will it be a good idea to like go deep into machine learning from now only, or should I explore the development part more and later on, like after the third year or in the third year, explore this field? I mean, that's great. You have the problem solving skills. That's great. Just learn. I mean, you attended this 3-day machine learning workshop, right? Did you like it? Did you enjoy it? Yes, it was good actually. Yeah, sure. Then go into it. And don't like put it into a sequential manner. It's not an if else loop. Like if you are like 10, level 10 on competitive coding, only then you can do a level 1 machine learning. It's nothing like that. Just do what you like. And just go in. And it's good that you have the problem solving skills already. That's super beneficial anywhere, even in machine learning as well. No, actually, I said that I don't have that much. Like, it's only basic level, not very good. So should I try this first or that? Better, get better, good in that? It depends, man. What do you like? If you like doing machine learning, then go for it. Or you can do both, actually. I mean, separate some of your time for machine learning, some of that for competitive, and then whatever you like, you continue on that path. But don't leave the problem solving things. I think that is a super crucial thing that will come everywhere, even in machine learning. So keep strengthening that as well. Okay, yeah, thank you. Should I do the Kaggle thing now? First, sir, what? Okay, yeah, okay, thank you, everyone. Hi, everyone, I'm Josh here. So, am I audible? Yeah, so. Swapnil, a great talk. I really liked it, and most of the points that I was going to talk about are actually coinciding with him. So first of all, I would just like, for those of you who don't know me, I'm a final year computer science student.
So professionally, I've worked in data science and speech recognition space. So in December 2018, I had the opportunity of interning in data science field at a startup, which was in the insurance space. So I had to build solutions for them so that AI could actually predict whether the vehicle insurance should be renewed or not, they should be granted, or what should be done with respect to the query that is being put up by the insurance agents. And last summer, I had the opportunity of working with the voice intelligence team at Samsung, so where I worked in end-to-end automatic speech recognition. Apart from this, for the past about two years, I have published 5 papers. And if you all know Kazi sir, then he's the dean of research and development. I've worked on a couple of papers with him in the cyber physical system plus AI space. So that is basically cybersecurity for industrial systems and how AI can solve the problems that are there. So there were 2 papers I worked on, and the second one was interpretable machine learning, which is a very new and upcoming thing. People have been just working in it for like 3 to 4 years. So there wasn't any research done, nothing that I really found that was in this space. So after this, I've also worked in blockchain, like as even Shashwat and Swapnil said, that we should explore different stuff. So blockchain really interested me. So I published a couple of papers there too, worked on numerous projects. So, and yeah, one of the publications that I work, which is actually, I felt on, it was sort of a cutting edge one. It was a publication in the wind forecasting space. So I'd worked with the joint director of CDAC Bangalore. It was a part of a hackathon, and we extended it in a full-fledged publication and developing a full framework for that, for a wind speed forecasting system that Indian weather stations can use. So as you might have seen from the projects that I worked in, my area of means the most amount of my work that I've done is in data science and basic machine learning algorithms. I am not a very specialized guy like Swapnil in NLP and like Shashwat in computer vision. So yeah, I mean, data science really interests me, a lot of statistical stuff, and you need to be really good at stats for that. And blockchain I explored, it's great, but I didn't find it something that I want to pursue ahead. So that is why I'm stuck on AI and data science. So yeah, as there were some things that actually I would say that some mistakes I made, and as y'all have attended this 3-day workshop, I feel that y'all should know this, that not make the same mistakes as I did. What a point that Swapnil mentioned about how he learned is exactly the same way how I learned. He never completed that course he was talking about. I started the same course and I never ended it. In fact, I've never done any course. I started hundreds of courses, but I've never completed any of them because it was too boring for me to sit there and watch all the videos and study. That was one of the mistakes that I made. I feel you should not. At least one course you should complete, like just Andrew Ng one, or that the one on Udacity. There's one great course on Udacity, Introduction to ML. The second one, I worked extensively in data science, and I've seen that I used to avoid visualizations, drawing, means plotting visualizations and analyzing the data from that. It would be like, "Arey yaar, ye kaun karega? It's no use. Matplotlib use karna padega." And wo diagram dekhke bhi, there's not much use. I felt so, but later I realized in the very first project itself that it doesn't make sense. I have to be very good with visualizations. I have to analyze data that way. The biggest problem with data science problems is that the data you'll be having, you cannot view it. You cannot see it and understand it like we view the problems in computer vision and natural language. So for a computer vision, if you just plot the image or just try to gain some features, you can easily identify stuff. But for data science problems, if there's a pressure value you have in your data and you want to see how the pressure value is changing across in different observations, so you need to plot the visualizations and then analyze, okay, what kind of approach you need to apply here. If there needs to be any cleaning or EDA, you need to apply to that.
So that was one thing. Don't exclude the visualizations that I used to do. And as an extension, it also stems that try to understand the data that you have. This is all from the perspective of a data science problem rather than a core ML problem or a computer vision or NLP problem. It's very important in a data science project that you understand what your data is, what each variable is saying, what are the relations between that, correlations among the variables and all. So initially in the very first and the second project, it happened that just I learned that I need to apply linear regression, and yes, I directly applied without looking at what the data is actually saying, whether I can apply or not. I know of one method and I directly applied, but it didn't work. So that is something that happens. You try to get a good hand on data, understand what it actually is trying to say and what you are getting, because there is a scope of a lot of noise and incorrect data being there. So you need to discard it, or you need to modify it, or replace it with some other value. So you need to really dig deep into the data and get hands on it. So as a last, to just say that how I started with ML, again, what Swapnil said, cold calling people and just messaging them, that has been a boon for me, I can say. I literally used to cold call people about what should I do, how should I go about different fields, even about blockchain. I wanted to start a startup of my own in the blockchain space. And I used to cold call people, and people with great experience used to gladly guide me that how you can do, what you can do, and how you should get started, how you should go about different stuff about your startup and stuff. Unluckily, that didn't fly off, but I really got to know the potential of cold calling people. And that is how I actually found out about how I should study and how I should go about it. So it was someone from IIT Bombay I had contacted, and he was in the analytics space, and he was working for WorldQuant, which is very famous for this. And he was also a finance guy. So I wanted to learn about finance, and I had called him up. So he's like, yeah, there's one course you can do. Also, you can look at a course in analytics. So finance, even now, I like it. But the course that he recommended on analytics, I really loved it. And that got me started into data science, machine learning in this space. And I started exploring further. And this is where I am. So yeah, again, don't feel like Swapnil said, people will be very happy to help. Don't feel that they won't be helping you, or why should I message that guy, or it is weird me asking someone randomly for some help. It's not at all that way. Bindas message karo, it will create wonders for you. I can really say that. For getting internships, guidance, or working on projects and whatnot. So yeah, that is one thing. And some advice that I would like to give to someone who's new in ML is, first of all, please complete one course, which I didn't, but don't stop there. Like, I've seen people who actually have done one course and they are like, "Arey, bas abhi to ho gaya, meko ML aata." It's not that way. For ML, it doesn't work that way. I don't know for some other technologies that you work, but please don't stop there. Just take a data set, start working on it. Kaggle is a great place for that. Don't think it's just difficult data sets. There are some easy data sets also which you can get your hands on. You can see what others have done and you can start learning from that. Or even a simple thing like what the data that was used in the course, just try to solve and apply those techniques all by yourself rather than looking at the solution. And just doing it all by yourself will help you gain much better understanding of it. The second one, you must have learned about a lot many algorithms in these 3 days. So for any problem, if you have learned something about deep learning, so you would be like, "Arey, I'll apply an artificial neural network. It will be a great one, 128 nodes, depth of 8, and I'll just apply that and I'll get great results." Yes, you will get great results, but please apply simple algorithms first. If it's a regression problem, please go for linear regression first, even though all of us know it's not going to be the algorithm you're going to stop at, and that will be giving good results. But it is important to apply simple algorithms, as it will help us really get insights on what are the problems with the data set and how linear regression is solving, what aspect is linear regression solving, what aspect it is not able to solve, and then that will help you to go to second and the third algorithm, which can help you solve that problem.
So yeah, this would be one advice. Then I completely agree with Swapnil, who was like, explore karo bindas. Especially when you are starting out, you've just done one or two courses. Take a problem in NLP, take a problem in computer vision, take one of just normal data science problem, take something in some different field, some different types of problems. Like there are many different sub problems in NLP as well as computer vision, classification problems, recommender systems. Take a simple problem, try solving it, explore. Jitna ho sake utna explore karo, that will help you understand what you want to specialize in. So otherwise it just happens ki for a couple of years you worked in data science and aap bolte ho nahi yaar ye this side, I don't want to do this, I want to go to something else. So it's better to explore initially and then deciding whether I want to specialize or not. And there was, yeah, one thing. Most people actually take up ML because it's like, everyone is talking about it, the companies want it and like that. I would recommend, if you really want to get better at it, don't solely focus on the profile building aspect. Ki maine ye Coursera pe course kar liya, now I have that certificate, yes, now I'm done. So my friend, it doesn't work that way. In an interview, you'll see ki people are like, means they will really dig deep into it and ask you, okay, how does a linear regression work? How does it find out its coefficients? How does it evaluate its coefficients? Downsides of linear regression, how regularization works and techniques like that. So just a course will not help, and don't work only from the aspect of profile building. Just focus on learning, profile automatically ban jayega, I'm saying. And itna means profile will be like that you will not have imagined that your profile would be like that. I never imagined I would be publishing papers, but that just happened. I just wanted to learn new stuff, learn cutting edge technology, and the result was that I published these many papers. So yeah. And lastly, for someone who has some experience in ML and or has quite some experience in ML and wants to expand and get deeper into it, one thing would be, this is specifically and mainly for data science problems, it would be really great if you can invest your time and understand the domain. So as I said, I was working on a project on SCADA systems, which is like, actually there are some computerized systems in the industry, like a gas pipeline, a petroleum gas pipeline industry, and you have that data set. So you will get much better results if you understand the industry, what is happening, what are the problems, and how important is it for you to have a right prediction, because there can be a loss of billions of dollars there. So you have to understand, it is better if you understand the domain, you will your project will be much better, and actually that could be something that could be implemented in the industry rather than just an abstract idea. So that would be one thing. Second, as I said, and even Swapnil, we took up projects, we started working on stuff. The thing was that because of that, at least I felt that there were some gaps in my knowledge, that I worked on many algorithms, but some things I didn't know, which a course would have easily taught me. So even if you're working on projects and all, keep filling those gaps. Now there could be hundreds of, there could be many methods to fill in the missing values. I knew of only one, filling it with zero. But when I worked on projects, I realized, okay, there are more methods. I need to work on that. I need to learn that. Start filling those gaps, even if it is how does a linear regression equation come up? It doesn't matter. Keep filling the gaps in your knowledge. That will go a long way. The next thing, if you're really interested, then please start falling in love with maths and statistics. There's no way out of that if you really want to go deep into it. This is not just for theoretical ML, but rather for anything. If you want to go beyond something like the Kaggle problems that Swapnil mentioned, after a point you have to start digging into, okay, what is the requirement and how I can tweak the existing methods to find out, to improve my predictions and based on my problem. So if you're avoiding math and statistics, then there's no way out. This subject is not about only coding. It's about math and stats. There's nothing else. The next thing to go a step ahead would be that I would recommend learn to read research papers. Build that habit. I know research papers can be too boring to read at times. Ki are yaar ye kitna lamba likha hai, ek ka ek cheez 100 baar bata raha hai. But it's not that way. Means there's a technique you need to know, like how to read, what to focus on, what not to look at. You don't need to read it and start to end letter by letter.
but you need to just read the aspects that you are interested in and get the general idea of what this guy has tried to do. So covering that point that you will really be up to date with most of the latest research that is going on by different companies and different industries. So that is one thing. So it will also help you build great foundation in, on the basic concepts. So in a research paper, they will recommend that, okay, I used algorithms like random forest first and some methods, and now I moved on to deep learning. So you will get a great number of insights as to why they are doing this work, what kind of a procedure they are following to get success in their project. So research papers are a great place. You can definitely dig into it. And last point, as Swapnil mentioned, please start talking to people. Now, this will help you get a lot many great opportunities. It can be like connecting with a mentor, connecting with a friend. It's not only that I want to connect with a mentor just to get his LOR, but it's like they have the experience that that no one maybe around you has. So it is better to get in touch with people who you want to learn from. Start talking with them. You'll get to know about what's happening in the industry, what's happening in academia, what are people working on. Great opportunities will open up for you, like internships and job offers, research projects. And there are a lot many things you will get to learn. You'll get a lot many colleagues to work with, people who think or are in the same problem as you are. So y'all can try and solve the problems together. So, yeah, this is all from my side. If there are any questions, I would be really happy to answer. Yeah. Welcome. Yeah, sure. So, Josh, Swapnil, and Shashwat, they all talk on the similar points which even I hold, and multiple of them, even if they aren't completely merging, they have talked about all the facts which I would have wanted to share. So instead of going about my own journey, I would just say this, that I was more into development, and something that interested me more was not only making myself useful, but making my application useful. So I saw machine learning as this tool which I can use to make my project even better, make it do much better stuff. And at the same time, I wanted to explore it so much more that I can make something powerful. So the first thing I did was I joined a COE for a simple project. They were having an internship. And I joined there and I learned machine learning for the first time. And the professor told me the same thing that Swapnil and Josh were saying. Try everything. You have 4 years of engineering. It's only 4 years. Your life is more than 40 years long. Your career is going to be more than 40 to 50 years long. 4 years of engineering, try everything, see what you like. You are a fresher. Start at the base. Your college cannot teach you foundations well. You will learn it corporately. So if you want to work in corporate, learn from corporate. If you want to go in research, learn from the college. The college will get you up to master's, will get you up to PhD. That's what the college is meant for. It's meant to take you to the academic route. So if you're into research, follow the academic route. If you're into development, follow the corporate route. Corporate will teach you the same way that college and master's will teach you, just on different niches. And at the same time, try everything first. I have tried machine learning, and then I was like, I've tried this too much. Let's try a little bit of blockchain. I tried that as well. And finally, my final year, I want to do some projects over there. And right now, I'm going to be assisting a PhD person with her code, because she wants a machine learning scientist who knows what he is doing with deep learning, what he or she is doing with deep learning, and is able to make a project. And with that, they're going to give me authorship as well, because I'll be working on the half part of the other project. So what you should try right now is not just focus on a niche, but make yourself useful. At the same time, because you are in a development field, if you want to go to development, start at the foundational levels to get yourself a good job. You need to learn how to solve problems. You need to be creative to solve problems. That starts with doing some little bit of DSA and getting a good move going on with your interviews. After that, you can think about moving forward into ML. You can switch jobs later on. You can switch your field later on. What you should be sure of is that your skills are useful and usable even later on. So for that, you have to try everything.
make a few projects. Projects are the best way to test your skill. The first time I tried to figure out how to put my model into my website, I screamed with glee. The entire room, I was in a hall in a hackathon. I figured out how to link my machine learning model to my website, and I screamed. And they were like, "Bro, what's wrong with you? Are you fine?" They're like, "I am fine. My code is working." And they all laughed. They're like, "Yep, he's in a hackathon. His code worked. Good for him." So fine. That's the main point which I want to talk about. Try everything once. See what you like. Go for that. But test everything. Do not fall into a niche immediately. You might be falling out on something that you wanted to do. And with that, you can just ask me some questions which you want. I'm done. Yeah, like I'm done. Does anybody have any doubts? Hello everybody. So we were told that we guys have to speak about our experiences, like how has our journey been throughout the entire process of learning ML, and also giving some advices. So my half of the job is already done. Like Shashwat, Swapnil, Jash and Shreyan Chheda, they have given some wonderful advices, like exact points that I was like planning to speak with you all, like reading is important and how you should explore everything, and how Shreyans Cheda talked about like how it's also important to connect your ML model with the development side. So that's also a very tedious task and should be explored. So I think that every point has been really well explained and explored. So now I would love to talk about my experience, like how exactly my journey began. So right in the beginning, when I was in first year, like as just was saying, that you should not take up anything because it's in the hype or it's because it's been talked about or something like that. But that was the exact same reason why I wanted to try ML. So that is the reason why I wanted to explore that field, because everybody was talking about it. Like I was like, I want to see like what exactly this is all about. I wasn't knowing about the term ML itself in the second year, like what exactly it can do or whatever. But I really wanted to explore because everybody was talking about it. But at the same time, I was even scared because I had heard these myths that you have to be really, really good at math. And honestly, I myself don't like math very much. Like I'm not good at solving those very tedious equations and everything. So I was scared whether I should actually be exploring ML. Would it be good for me? So it took a long amount of time for me to actually dig into ML. So my journey was very similar to most of the people who are actually doing ML, starting off with courses. Some people are not able to finish it, and some people actually directly dive into projects. Everybody has a different approach. But I actually decided that I gathered my entire like will, and I was like, I have to complete this course by Andrew Ng, because right from the first lecture, that person influenced me so much. Andrew Ng, he's a really, really good teacher and an influencer in terms of if you are planning to have a journey in the field of ML. So he inspired me a lot. So I decided that, okay, I have to complete this course and I have to like dig into each and every aspect, like why everything is happening. Sometimes it was even there, things such as these things also happened, that his course might not even give all the information about some particular stuff. So I would go online, I would read so many blogs, I would watch so many videos. So that is one aspect that I would like to talk about. Guys, if you are actually planning into expertise of any kind of field, then go out there on the internet. You are just one click away from gaining whatever information you want to need about anything. So guys, read. That's the only thing I want to focus on, that read. Reading is very important, very, very, very important. There are so many blogs on the field of ML on any particular topic you want to read about. So go out there and read. So once my course was done, I was like, now what next? What exactly should I be doing? Like because I was done with my course and I had really been fascinated by ML so much that I wanted to do so much. So what I decided was, to start with projects. I didn't know anything, and I assure you guys that it's possible that when you will start with any project in any, let's take any of the, let's not consider ML, let's take web development or Android development or blockchain, anything, everything is gonna be too much overwhelming in the beginning. Like you will see everything, you will not understand anything, and you will be like, you will always feel like
is it necessary? Do I have to do it? Can I just drop the plan of doing this project or something? Everything feels overwhelming and too much actually. So I would suggest that guys try to stick to your aim and like maybe nahi samajh mein aa raha to bhi every day open that tab, go on that particular particular project, read about it, read as much as you can, try to gain insights, try to understand what the exactly the code tries to elaborate or whatever it's try to do. Try to dig into that and then just start doing and follow instructions, and soon you will realize that you are actually understanding everything that's happening in that code. So that is how I started doing projects. Mujhe bhi starting mein nahi samajh mein aa raha tha what exactly I am doing. I knew the concepts because Andrew Ng was so good in teaching every concept. I knew the concepts, I knew what to do, but I didn't know how to do because I hadn't done any coding at that time. So I just followed these blogs. They used to teach basic data set pe how to basically do ML stuff. So I started with the very simple iris data sets, Titanic data set, breast cancer data set. These all were the data sets I actually went through in the beginning, and I just used to follow those blogs as they used to ask us to do. I used to do. Dheere dheere mujhe samajh mein aaya how is everything happening and how structured these libraries of ML are and how easy they are to use. Then I slowly moved on to harder topics such as tweet classifying, email classifying, and then I moved on to images and everything. And yeah, my journey has been very it has been good actually, because I was always since the beginning I was quite overwhelmed by ML and how deep learning is and everything is working. So I explored a lot, I've done a lot of projects in the field of deep learning. So yeah, it's very important to explore. I explored a lot of I tried to explore images, I tried to explore natural language processing, and I personally I'm extremely fond of natural language processing, the how exactly these things are working. So that's totally a part of my journey, how exactly I started ML and how I got fond of it, how I turned into one project into so many projects. That's all about me. And advices, so guys, they have these Sashwat, Swapnil, Rajas Rathod, and Shreyan Cheda. They have really good given very good advices. So I would request you guys to just follow everything that they have said. And one more thing I would like to add is read, guys. Jo bhi topic you are planning to do, read as much as you can. Jitna time ho, invest on reading. Reading can really help a lot, I swear. One last thing that I would like to add is ML mein formulas, mathematical formulas might look a bit overwhelming always in the beginning, but if you are actually fond of ML na, then try to stick to it. Try to time lagega samajhne mein in formulas ko, but if you are actually planning to do lot of stuff in ML, then I would really request you to focus on the mathematics. It's important. People would say you can do everything without knowing the mathematics, you can train the biggest of the models without knowing the mathematics. I think that's true. If you are very good at coding and development, I think you might be able to make a good model. But the fun is not in just getting the right accuracy or just getting the right score or being able to train a good model. The fun is actually how to get to that path. And for that, you need to know a lot of insights about the data. You need to know a lot of knowledge about how exactly this model is going to bring you to that answer. It's not about getting the answer. It's about also knowing about what algorithms does this model use to actually reach to that particular answer or get to that reach to that particular precision, score, accuracy, whatever you call it. So that's all from my side. So if you guys have any questions or anything, just you can go and ask. So yeah, just Rathod has wrote in the chat that check out Towards Data Science Analytics Vidya Machine Learning Mastery. These were actually, yes, like yes, in short, he has written everything that was my go-to at the point I was trying to explore so many things. So yeah, these particular sites, they have so much information available on any topic you are planning to do in ML. So yeah, these sites have all these blogs, so you can definitely go and read them. Ritika is asking that how did you figure out topics that you want to do on a project, do a project on. So
Like in the beginning, I just began with some random topics. I searched on internet that some easy data sets to start ML on. That is how I started with very simple data sets such as Iris data set, Titanic data set. And then I decided to dig in a bit deeper. So I used to search for different topics in which actually research is being going on. So I tried to find those topics, and I just started doing as I could do the level I could go to. I started doing them. I put my hands into tweet classification and everything. Actually, this also I found through blogs. Some people have written really good blogs that how to go from very beginner level in ML to expertise level. So at what level you should be picking what types of projects so that you can actually gain a lot of insights throughout this process. So by the end, I was like doing projects on text generation. I was doing projects on image captioning and everything. Right now also my FYP, my final year project is based on image captioning only. So yeah, everything happens in the process. So it's a process, just follow the process. You will get topics. You will automatically get good topics in this process, and you will be like, okay, I want to try this topic. I want to try this topic, and you'll soon explore everything. Yeah, so if you want to choose a project and sometimes you're not able to think of the right thing, so innovation takes time, obviously. What you can do is first look at some project ideas, look at what people have done before. You can look at some hackathon topics. So that's what I did. I if I had to ever try to make a new project, I would just look up at SIH past projects. I'm like, okay, what have they done till now? I'm like, oh, this is fun. Let's take this up, because they had a good background on what they wanted. They had a data set ready. So that's what I used when I wanted to. And if you want to go into more research-based topics, just look at this, like, what is new? Okay, this is new. How can I improve it? So Shraddha ma'am told me one thing, that if you're working on research, the way to move forward is you pick at something a person has done before and you try to improve on it. That's going to move forward research projects. And for normal development projects, you can just go for what you like more, that what interested you more. What has Harsha Doshi asked? As a core developer having no knowledge about ML, how should you start? Okay. So the first thing that you should do when you're building a machine learning project is you first understand how to build a model. Don't try to plug it into your development first. Build a simple model, build it on your terminal, make it do your task, send in data, receive the data, find the accuracy. Now that if it's image classification, you can have a website which is just posting an image. After posting the image, it is sending to the backend, doing the calculation, it got the output, and now you're sending the output to the front end. That's a very simple ML project. Whatever task you did, build a front end for it. That's the first step to start an ML project. Then you can bring in more things to help. So if I want to put it into a blogging application, I want to see which blogs are very bad. So what I will do is I will pick up the text from the blogs, I'll put it into a model, and say that, okay, your text does not have these correct things over here. It's very bad. It's not speaking the right thing. So I'm not going to allow you to post this blog. You can activate some of your previous projects with machine learning, or you can build a new machine learning model and build a front end for it. You can start with that first. I hope that answered Harsha Doshi's doubt. And does anybody want to answer Unnati's question? I don't think I'm the right person to do that. So Unnati has asked that, how do you know whether you're ready for an internship or collaboration in ML? So frankly, there's no ready state here. My first internship I got just after completing one course and no projects. I didn't have any projects till that time. So I just approached a startup. I spoke to those guys. I remember during the interview, he was just testing me on whether I knew what AI is and nothing else, and just giving me their business use case and telling how AI could solve. And by God's grace, actually, I got that right. So he means they know that, okay, you don't know that much. It's fine. You will learn. There's no issue with that. Don't think after just doing a course or something, don't wait for some event to happen that you can start working on an
or start finding for an internship or a collaboration. Just ask people and side by side, keep doing some projects, even if it is just a simple project like iris classification or the Titanic data set or something like that. Work on something, gain some experience, and you should be knowing what you are doing. You are not expected to know how deepfakes work or like how AutoML is working. You don't need to know that. It's not very necessary for you, but whatever you have done, you have to know that. So when you approach someone, they will be asking the things that you have already done, not like it won't be like a college ka exam. They're asking some different questions. They will look at your CV, look at your work, and then they'll be asking questions on that itself. So don't worry, just get started with it. Talk to people, or if it's a project you're working on, a couple of friends who are interested in the same thing, or a senior who's working in something like this, ask them if they can work in, and just get started with it. Okay. Just a second, let me share my... Is it visible? Yeah. Okay. So this is what the Kaggle page will look like when you will attempt the problem, I think tomorrow or for the next week. So you'll have the description here. There's a data tab where the data will be. There'll be three files here: training, testing, and a sample submission file. The sample submission file will just contain two columns, which will be, one will be the ID of the row of the submission in the test set, and the second one will be the prediction. So usually all you have to do is import the sample CSV in Pandas and just change the second row with your predictions. And you'll have the test set and you'll have the training set. So once you train your model, get the predictions, open the sample CSV, and change it, and then go to submissions. This competition is over, that's why I said late. But ideally, you would send a new submission, click it, and you just have to upload your CSV file to get it graded. So once it gets graded, you'll get to this leaderboard. So there's you will only see the public leaderboard for most of the competition until the competition ends, which will be on 13% of the test data. So as Shreyansh was teaching today, always pay attention to your cross-validation score. That's extremely, extremely important. In my first Kaggle competition, I missed that. I trusted the leaderboard scores, but that is only on 13% of the test data. So don't trust it. Even if you get a lower score on the leaderboard, but that has a higher cross-validation score, trust that, because on the private leaderboard, there'll be a huge shakeup. So the person you were thinking he's going to be first on the public, he'll probably go like so this guy just went like from 13 to 14, but this guy went like from second, from fourth to 12th. So that kind of shakeup is like very common in Kaggle competitions. So always trust your cross-validation score. And obviously you can use the Kaggle notebooks. So you can go to code and you can create a new notebook here, and you can use the Kaggle GPUs and everything. But if you reach your limit there, then obviously all you do is go to data. You can just take this link and you can use this link to download it on Google Colab instead to get those GPUs as well if you're really lacking GPUs. But yeah, I don't think you'll be using them too much. That's everything. Most of the points that Josh and Shreyansh and both Shreyansh talked about, they apply here in Kaggle. Always do data visualization. Trust your CV score. Start with the basic models like linear regression to get a baseline, and then proceed from there onwards. That's it. Does anyone have any questions regarding how to do the Kaggle interface? It's pretty self-explanatory. And also to just add something, that Kaggle has the competitions that are going on now as well as past competitions. So you don't just need to participate in competitions that are going on now. You will get data for hundreds of competitions that happened maybe some years ago also. So you can download that, and for practice, you can work on that too. So
from simple to difficult, from different field, from different topics, you will get data like classification, regression problems, NLT CV problems, recommender system data sets. All of that you will be getting here, and you can download it and you can just work on it. It's not necessary you just upload here or only participate on the competitions that are going on. So yeah, that's all. That's right. So this is an example NLP competition. You could still do it as a question answering thing. You could still do it. Even there are specific CV competitions, tabular competitions. Yep, that's true. Any other questions? Okay. I think I could answer this. So there is a right time to do things is the best way to answer this. Some people first go for the thing that's going to come first in your life. Your job is not going to ask you a machine learning competition. They're going to ask you a competitive coding competition. Attack that first. Once you feel that you have a good average level over there, you can try for machine learning competition. See if you like machine learning more. You need to have core skills of both. They are being tested over here. Now, the one that you like more, you want to grow in more, you can choose to take it forward. I'm not going to go for Google Kickstart and super long challenges of CodeChef. I'm just going to solve the simple challenges, the daily cook-offs, or like some simple lunchtime cook-offs. If I really want to chase something, I'll put more effort into it. But if I want to test something, I will reach an average score after clearing my basics. Thanks a lot for actually calling us here. Just one small thing, that if anyone really wants to get in touch with us and talk to us, I think the LinkedIn, our LinkedIn links were placed in the comments. You can get to us from there, or you can contact DSC and contact us on WhatsApp. We'll be happy to help. Thank you. Yes, you are free to ask us doubts whenever you feel like asking them. We are your seniors and we are here to help you. So do whatever you please.